राम राजय साकार हो उठे, राम राजय साकार हो उठे, राम राजय साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए, राम राजय साकार हो, कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राजय साकार हो, राम राजय साकार हो। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला, विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला, दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए, राम राजय साकार हो, राम राजय साकार हो। चल उठे भाईचारा, गांव गांव की गली गली में मचल उठे भाईचारा, नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा, उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए, राम राजय साकार हो, राम राजय साकार हो।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की सिंधु उफ ना जाए राम राज साकार हो राम राज साकार हो चल उठे पुरवाई सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई चार पदारथ श्रुति को किल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो राम राज हो राम राज विश्ववंद्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ओ
ज्ञातिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां वा देवानागुसख्यमुपसेदि मा वय देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधं अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्त तन्नो वातो मयो भुवातु भेख च तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतन्धृष्ण्या ध्रुवं तमीशानं जगतस्तस्थु खस्पतिन्धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृथश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामरवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजग्राः बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय गंगा मैया की जय परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय सांचे दरबार की जय आइए एक बार पुनः हम अपनी और आप सभी की ओर से मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करें हार्दिक अभिनंदन करें। भाइयों और बहनों हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु की यह पावन पुनीत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, वरना आज संसार में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्तन के लिए जी रहे हैं, इसे ही सजाते हैं सवारते हैं बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं पर अफसोस हाथ कुछ नहीं लगता। आज आपको कुछ स्टनिंग एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं। जानते हैं एक बहुत बड़ा ज्वेश व्यक्ति था, बेहिसाब दौलत थी, इतनी दौलत कि जब वहां की गवर्नमेंट क्राइसिस में जाती तो उस व्यक्ति से लोन लिया करती थी। उसने अपने आलीशान से महल में एक बड़ा सा कमरा बनवा रखा था जिसमें वो अपनी सारी दौलत को इकट्ठा कर कर रखता था। एक दिन कुछ हिसाब किताब करने वो उस कमरे में गया और बदकिस्मती से दरवाजा पीछे से बंद हो गया। उस कमरे में एक अजीब सा लॉक सिस्टम था, वो सिर्फ बाहर से खुल सकता था, इसलिए उसने खूब शोर मचाया, बहुत आवाजें लगाई, बहुत शोर, परंतु महल इतना बड़ा था कि किसी के कानों तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंची। उसने झट अपनी जेबें टटोली पर शायद किस्मत साथ नहीं थी, अपना फोन बाहर छोड़ाया था। उस व्यक्ति की एक आदत थी कि वह कई कई दिनों के लिए बिना किसी को बताए वर्ल्ड टूर पर निकल जाया करता, इसलिए घर वालों को कोई शक भी नहीं हुआ वो कहाँ है किधर है, किसी ने ढूंढने का प्रयास नहीं किया। अब क्या था, फॉर डेज ऑल टुगेदर ही वॉज कॉट इन दैट रूम। कितने ही दिनों तक वो उस कमरे में रहा, भूख प्यार से बेचैन है, तड़प रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, और आखिरकार जब भूख और प्यास सहन नहीं हुई तो उसने अपनी ही उंगली को जख्मी किया और उसी जख्मी उंगली से अपने ही खून से उस कमरे की दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा कि आज इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहा है। और जानते हैं कई हफ्तों बाद जब पुलिस उस कमरे में पहुंची तो उन्होंने उसी व्यक्ति की लाश को उसी कमरे में अपनी ही नोटों की गड्डियों के बीच सड़ते हुए पाया, गलते हुए पाया।
कितनी कमाल की बात, इतनी अमीरी, इतनी दौलत, पर क्या लाभ, क्या फायदा। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। माइकल जैक्सन, डांस की दुनिया का बादशाह, आपने सबने नाम सुना होगा, सुना है। पर अपने तन से इतना प्यार, इतना प्रेम था कि जानते हैं आप हैरान रह जाएंगे, हर रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था, हमेशा अपने हाथों पर ग्लव्स पहनकर रखता कहीं कोई वायरस मुझे अटैक ना कर जाए। 12 हाई क्लास डॉक्टर्स की पर्सनल टीम थी उसकी, जो हर रोज उसके एक एक अंग को कंप्लीटली चेक किया करती थी कहीं कोई दिक्कत ना हो। उसका खाना खाना खाने से पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होने के लिए जाया करता था। और यही नहीं, हार्ट, लंग्स, लिवर और आईज, इन सब के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा डोनर रखा हुआ था। अगर कोई अंग खराब भी हुआ तो मैं दूसरे से ले लूंगा, पर मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। 150 साल की पक्की तैयारी थी उसकी, पर क्या हुआ हम सब जानते हैं। एक रात अचानक से सांस लेने में तकलीफ हुई और जिस तन के लिए इतनी कोशिश की थी, इतनी मेहनत की थी, इतनी तैयारी की हुई थी, वही तन महज 30 मिनट के अंदर अंदर मिट्टी की ढेली बन गया, सब खत्म हो गया। भाइयों और बहनों, हम आपको ये एग्जाम्पल्स आज डराने के लिए नहीं दे रहे हैं, पर हाँ, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, चाहत थी कि दुनिया को दिखा दें हम कौन हैं, चाहत थी कि दुनिया को दिखा दें हम कौन हैं, मगर कफन में लिपटी लाश ने आईना दिखा दिया। सच है। और यहाँ हम इस काशी क्षेत्र में रहते हैं, चले जाइए जरा मणिकर्णिका घाट पर, हर रोज 24 घंटे सातों दिन ये मंजर आप देख सकते हैं। भाइयों और बहनों, ये बिल्कुल सच्चाई है, चाहे हम इस तन के लिए कुछ भी कर लें, कितनी ही तैयारी, कितनी ही साजो सामान इकट्ठा कर लें, परंतु ये प्रकृति हमें बार बार दिखा देती है, ये मिट्टी की ढेली है, एक दिन इसे खत्म हो जाना है, नष्ट हो जाना है, जल जाना है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने गीता में कहा, अर्जुन वासांसी जीर्णानी यथा विहाय, ये तन ये तो एक कपड़े की मानिंद है, आज है, कल जीवात्मा कोई और कपड़ा धारण कर लेगी, कोई और शरीर धारण कर लेगी, फिर इस तन से इतना मोह क्यों, इसके लिए इतनी साजो सामान क्यों, क्यों इतनी अटैचमेंट। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने तो अपने जीवन से ही एक एग्जाम्पल सेट कर दिखा दिया। हम सब जानते हैं, जिंदगी भर संघर्षरत रहे और जब अंत में लीला समेटने का समय आया, तब द्वारिकाधीश थे, चाहते तो स्वर्ण जड़ित शैया पर अपनी देह का त्याग कर सकते थे, चाहते तो हीरे मोतियों से जड़े हुए सिंहासन को अपना अंतिम आसन बना सकते थे, पर नहीं, उन्होंने चुनाव किसका किया, एक बीहड़ वन का, चुनाव किया एक साधारण से वृक्ष का, एक साधारण से शिकारी के, साधारण से तीर को माध्यम बनाया और अपनी जीवन लीला को समेट लिया, अपने परम धाम गमन कर गए। मानो प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि ये तन हमें सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं मिला है, ये तन हमें इसे सिर्फ सजाने सवारने के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसका उद्देश्य कुछ और है। इस तन को माध्यम बनाओ और एक ऐसी ऊंची, इतनी ऊंची छलांग लगाओ जिसके बारे में संत रूमी कहा करते थे, बहुत सुंदर समझाते थे। कहते हैं संत रूमी जब बहुत छोटे थे ना, बच्चे थे, तो एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते घर की छत पर पहुंच गए। बच्चे थे, सभी बच्चों ने जोर जोर से कहा, चलो रूमी एक खेल खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा, हम एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा, चलो खेलें। जैसे ही रूमी ने सुना, नाक मुंह सिकोड़ दी, अरे नहीं, एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाना, भला ये भी कोई खेल हुआ, अरे हम तो ईश्वर की संतान हैं, हमें तो ऐसी ऊंची छलांग लगानी है, ऐसी ऊंची छलांग जो इस संसार से सीधा हमें ईश्वर के साम्राज्य तक पहुंचा दे, ऐसी छलांग हमें लगानी है। भाइयों और बहनों, सच, आज
पता नहीं कितनी ही योनियों में, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हम इस मानव तन रूपी छत तक पहुंचे हैं। अब निर्णय हमारे हाथ में है। अब हमें सोचना होगा कि हम केवल इस तन को सजाने सवारने में अपना जीवन लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसे ऐशो आराम पहुंचाने में इसे खपा देते हैं, या फिर ईश्वर से मिलन करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा देते हैं। ये हमारा निर्णय है, अब हमें सोचना होगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से इस कथा का आयोजन आपके क्षेत्र में हुआ है। आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, आज आपके आपके ही क्षेत्र में आकर आपको ये संदेश मिल रहा है, ईश्वर का संदेश मिल रहा है। जैसे राम तीरथ वो एक ऊंची सी पहाड़ी पर चढ़ जाया करते थे और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे, अरे ईश्वर दिखाई देता है, ये लोग समझते क्यों नहीं है, आओ आओ राम तीरथ की शरण में आओ, तुम्हें ईश्वर का दर्शन कराया जाएगा। ठीक इसी तरह भाइयों और बहनों, आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आप सभी के समक्ष यह आह्वान लेकर आया है, हाँ हाँ ईश्वर दिखाई देता है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, आप उनकी शरण में आओ, आपको भी ईश्वर का दर्शन कराया जाएगा। यहां केवल बातें नहीं की जाती, आपको सिर्फ कथा कहानियां सुनाने के लिए नहीं आए, सिर्फ आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपको ये संदेश देने के लिए आए हैं, आपके जीवन का लाभ हो सके ऐसी मनोकामना के साथ आए हैं। इसलिए आइए सजनों, आप सब भी आज मिलकर सच्चे हृदय से ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि प्रभु यदि आज इस कथा पंडाल तक पहुंचाया है, इस कथा को सुनवा रहे हैं, तो फिर हमारा सुनना सार्थक भी हो जाए, हम इस कथा के संदेश को समझ पाएं, अपने जीवन में धारण कर पाएं और उस ईश्वर से मिलन स्थापित कर पाएं। आइए ऐसी ही प्रार्थना के साथ हम आज के इस कथा प्रसंग का शुभारंभ करेंगे और उसके लिए हम आग्रह करेंगे मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर भागवताचार्य कथाव्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, सांचे दरबार की जय। करारविन्देन पदारविन्दम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्
बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि श्यामल कोमलांगम इंदीवर श्यामल कोमलांगम इंद्रादि देवार्चित पाद पद्मम सर्वेश्वरम सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि अपने मन में बांके बिहारी का स्मरण करते हुए अपनी रसना को पवित्र करते हुए उनका पावन जय घोष लगाएंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, प्रभु के भक्तों, भगवान की इस दिव्य सभा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रभु हमसे मिलने आए हैं, स्वयं से मिलने का हमें एक मौका दिया है और पावन पुनीत कथा को 7 दिवस तक सुनने का अवसर मिल रहा है। कहते हैं सत्संग का तो एक शब्द भी कानों में चला जाए तो जीवन का उत्थान हो जाता है, और हमें तो 7 दिवस तक इस कथा को सुनने का सुअवसर मिल रहा है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सदैव एक कहानी सुनाया करते हैं, किस प्रकार सत्संग के विचार, सत्संग में सुनी हुई बातें हमारे जीवन को बदल सकती हैं। एक बार एक राज्य में एक चोर था,
चोरी करने में बड़ा निपुण था। उसे कभी राजा के सैनिक पकड़ ही नहीं पाए। उसने अपने सारे गुण अपने पुत्र को भी सिखा दिए और उसे हिदायत दी, बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें कभी भी उस जगह पर नहीं जाना जहां भगवान महावीर प्रवचन दे रहे हों। अगर कभी भूल से वहां पहुंच जाओ तो तुम्हें अपने कानों में उनके एक भी शब्द को पढ़ने नहीं देना है। पुत्र को अच्छे से सिखा दिया, पुत्र ने पिता की बातों को हृदयस्थ किया और वह भी निपुण चोर बन गया। उसे भी राजा के सैनिक कभी पकड़ नहीं पाए। समय घूमा, एक दिन जब वह चोरी करके भाग रहा था, झाड़ियों में छिपा हुआ था, तभी उसके कानों में एक पंक्ति सुनाई दी, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उसने झट झाड़ियों को हटाकर देखा तो दूर एक दिव्य पुरुष बैठे थे जो जन समूह को संबोधित कर रहे थे। वो कोई और नहीं, भगवान महावीर थे। पिता ने कहा था उनके उपदेश नहीं सुनने, झट से अपने कानों को ढक लिया, बंद कर लिया, लेकिन एक पंक्ति तो वो सुन चुका था। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, कारागार में बंद कर दिया गया। अनेकों बार उससे तरीके बदल बदल कर पूछा गया, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया कि मैं चोर हूं। राजा ने भी एक युक्ति निकाली, उसको एक नशीले पदार्थ का सेवन करा दिया और शीश महल में पहुंचा दिया। एक नटनी को देवी का रूप धारण करवाया और वह देवी का रूप धारण कर चोर के पास पहुंच गई। कहने लगी, पुत्र, मैं जानती हूं कि तू एक चोर है, तेरे पिता और बाकी सब चोर कहां छिपे हैं मैं ये भी जानती हूं, लेकिन मैं तेरे मुख से सत्य सुनना चाहती हूं। अगर तू अपने सत्य को स्वीकार कर लेगा तो मैं तुझे दंड से बचा लूंगी और इतना अपार धन तुझे प्रदान करूंगी कि तेरी कितने पुश्ते बैठकर आराम से खाएंगी। इससे पूर्व वो चोर सारी सच्चाई उगल देता। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है, महावीर ने कहा था देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसे समझ आ गया कि ये सब एक षड्यंत्र है। उसने सच्चाई बोली ही नहीं, उसने कहा मैं चोर हूं ही नहीं, मैं तो कब से ये बात कह रहा हूं। राजा का ये प्रयास भी असफल हुआ, चोर को दरबार में बुलाया। कहने लगा, मैं जानता हूं तुम चोर हो, बस मुझे ये बता दो कि तुम्हें मेरे इस षड्यंत्र के बारे में कैसे पता चला, मेरी ये युक्ति असफल कैसे हो गई। चोर ने कहा, महाराज अवश्य बताऊंगा, पहले मुझे वचन दीजिए कि मेरा जितना भी अपराध है उसके लिए मुझे दंड नहीं देंगे। राजा ने कहा, वचन देता हूं। चोर ने कहा, मैंने महावीर की एक पंक्ति सुनी थी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, उसने मेरे जीवन में ऐसा कमाल कर दिया। मैं सोचता हूं कि अगर मैंने महावीर के उपदेशों को जीवन भर धारण किया होता, सुना होता, तो आज मेरा जीवन कितना सुंदर होता। राजा भी आश्चर्यचकित है और चोर भी असमंजस में है कि एक पंक्ति ने मेरा जीवन बदल दिया। जानते हो चोर ने राजा से क्या कहा? छोड़िए महाराज ये संसार, चलते हैं महावीर की शरण में, वहां उनके सत्संग विचारों को सुनते हैं और आओ अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। ऐसे होते हैं महापुरुषों के मुख से निकले हुए दिव्य विचार, ऐसी होती है हमारे प्रभु की कथा जो हमारे जीवन की सारी व्यथा को दूर कर देती है। और सोचो हमारे पास तो कितना बड़ा सुअवसर है, 7 दिवस मिले। हमारे बांके बिहारी ने गोकुल में पहुंचकर अनेक लीलाएं की। बाल्यकाल से ही, जन्म से ही हमारे प्रभु ने प्रेरणाएं बांटनी आरंभ कर दी। आओ इन्हीं प्रेरणाओं को झोली में समेटने के लिए चलते हैं गोकुल भूमि, जहां पर उत्सव मनाया गया, क्योंकि यशोदा जी का लल्ला भयो है, नंद राय जी के यहाँ बाल गोपाल ने जन्म लिया है। यशोदा जी के यहाँ लल्ला आया है, सारी गोपियां उस लल्ला के दर्शन करने पहुंच चुकी हैं। पंक्तिबद्ध होकर यशोदा जी के लल्ला का दर्शन करती जा रही है, लेकिन जो बाल गोपाल को देखती है,
बस टुकटुकी बांधकर देखती रहती है। नजरें हटाने का मन ही नहीं करता। अब आगे वाली हटेगी तो पीछे वाली आकर दर्शन करेगी। पीछे वाली गोपी कहती है, दैया रे दैया, अरे चल हट यहाँ से, मुझे भी तो बाल गोपाल को देख लेने दे। लेकिन वो गोपी, वो तो कन्हैया को देखकर, बाल गोपाल को देखकर, प्रभु को देखकर मंत्रमुग्ध है। तभी पीछे वाली गोपी ने उसे धक्का लगाया, कहने लगी, लो हमारे लल्ला को नजर लगा देगी। आंखों से अंजन लिया और काला टीका बाल गोपाल के मुख पर सजा दिया। यशोदा मैया भी बार बार लल्ला की बलैया ले रही है कि कहीं मेरे लल्ला को किसी की नजर ना लग जाए। हमारे नन्हे से प्रभु अपने उस मुख मंडल से, अपनी लीलाओं से सारी गोपियों को, यशोदा मैया को लुभाते रहे। उस दिन तो भोर होते ही नंद आंगन में मानो युद्ध छिड़ गया। आप कहेंगे युद्ध? जी हाँ, हमारे जो नन्हे से बाल गोपाल है वो बीच आंगन में खेल रहे हैं। एक तरफ बैठी है यशोदा मैया, दही बिलो रही है, और दूसरी ओर बैठे हैं नंद बाबा। तभी यशोदा मैया ने अपने लल्ला की ओर देखा और उसे बड़े प्रेम से बुलाया, आजा मेरे लल्ला, आजा मेरे लल्ला, आजा आजा आजा। यशोदा मैया का लल्ला यशोदा मैया की ओर देखने लगा और अपनी दो दंतियां निकालकर मुस्कुराने लगा। दूसरी ओर बैठे थे नंदराय जी। नंदराय जी ने मौके का लाभ उठाया और अपने बाल गोपाल को आवाज दी, अरे ओ नंदू, इधर आ जा। यशोदा जी ने सुना, कहने लगी, नंदू ये कैसा नाम है? नंदराय जी ने कहा, देखो मैं नंदराय, मेरा लल्ला नंद कुमार। अरे नंद कुमार तो इतना बड़ा नाम है, इसलिए मैंने इसका छोटा नाम रखा है प्रेम से नंदू। आजा मेरा नंदू, आजा मेरा नंदू। जैसे ही लल्ला अपने बाबा की ओर मुड़ने लगा, यशोदा मैया हाथ में माखन लिया, कहने लगी, अरे मेरे लल्ला देख, देख तेरी यशोदा मैया के पास क्या है, जल्दी से आ जा। कन्हैया ने मैया की ओर मुख कर लिया। नंद बाबा ने हाथ में ढेरों खिलौने ले लिए, कंदुक निकाल ली, अरे देख लल्ला देख कितनी सुंदर कंदुक है। उसे हवा में उछाला और फिर लपक लिया, अरे देख कैसे हवा में जाती है, कैसे नीचे आती है। अपने लल्ला के साथ खेलने लगे। तभी गिली ली, उस पर डंडे से प्रहार किया और जैसे ही डंडे से प्रहार हुआ, गिली उड़ते उड़ते द्वार से गोपी आ रही थी उसके माथे पर जाकर लगी, कहने लगी, दैया रे दैया, अरे नंद राय जी इस उम्र में ये खेल शोभा देते हैं। नंद राय जी ने कहा, अरे क्षमा कीजिए, वो तो मैं अपने नंदों के साथ खेल रहा था ना। गोपी ने सुना, अपनी पीड़ा को भूल गई, प्रभु के मुखमंडल को देखा, जाकर बाल गोपाल को उठा लिया, कहने लगी, ये नंदू थोड़े ना है, अरे ये तो भविष्य में गौ चराने जाएगा, ये तो मेरा गोपाल है, मेरा गोपू है, गोपू। यशोदा मैया नंद बाबा एक दूसरे को देख रहे हैं, देखो इसे एक और नया नाम मिल गया। तभी भीतर प्रवेश करती है कौसल्या काकी। कौसल्या काकी कहने लगी, अरे ये गोपू नहीं है, ये तो हमारे गोकुल का राजा है, राजा, इसका नाम तो मैं रखूंगी। इससे पूर्व कौसल्या काकी भी नामकरण संस्कार करती, यशोदा मैया ने कहा, रुक जाओ काकी, रुक जाओ, और नाम मत दो इसे। अपने स्वामी से कहा, जल्दी से गर्गाचार्य जी को बुलाइए और नामकरण संस्कार की विधि कीजिए, ताकि हमारे लल्ला को एक सुंदर सा नाम मिल सके। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया, लेकिन बड़े ही चुपचाप तरीके से गौशाला में प्रभु के नामकरण संस्कार की विधि को पूर्ण करने की तैयारियां आरंभ हो गई। यशोदा जी ने अपने बाल गोपाल को उठाया, रोहिणी जी ने अपने बाल गोपाल को उठाया और दोनों पहुंच गई गर्गाचार्य जी के पास। सभी देवी देवता आकाश में स्तब्ध खड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे प्रभु इस अवतार में कौन सा नाम धारण करेंगे, वो कौन सा शब्द होगा जिससे मुख पर रखते ही मिठास खुल जाएगी, वो कौन सा शब्द होगा जो कानों में पड़ेगा तो कान तृप्त हो जाएंगे। और अब सब प्रतीक्षा में हैं। तभी गर्गाचार्य जी जो देख रहे हैं कि यशोदा जी और रोहिणी जी ने अपने बालकों को बदल लिया है, रोहिणी जी की गोद में है यशोदा जी का लल्ला और यशोदा जी की गोद में है रोहिणी जी का लल्ला। गर्गाचार्य जी की दृष्टि पहुंची यशोदा जी के गोद में खेल रहे बाल गोपाल पर, कहने लगे, ये जो लल्ला, ये जो बाल गोपाल यशोदा जी की गोद में खेल रहा है,
ये कोई साधारण नहीं है। इसने संपूर्ण सृष्टि का वहन किया है, इसमें बल है और ये अपनी शक्तियों से सबको आकर्षित कर लेगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। और ये नन्हा सा बाल गोपाल जो रोहिणी जी के अंक में खेल रहा है, अरे इसका दर्शन कर तो मैं भी कृतार्थ हो गया हूं। इसने तो अलग अलग वर्णों को सदैव धारण किया है, ये तो प्रेम का लहलहाता सागर है जो सभी को प्रेम के अंदर डुबो देगा, ये सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण कृष्ण, जैसे ही सुना यशोदा मैया ने अपने बाल गोपाल का नाम सुना कृष्ण, उस नाम का उच्चारण करते ही यशोदा मैया के हृदय को तो मानो ठंडक पहुंच गई। देवी देवताओं ने सुना हमारे प्रभु का नाम है कृष्ण, पूरा वायुमंडल संपूर्ण गोकुल भूमि आज कृष्ण नाम से गूंज उठी है, कृष्ण 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 नाम की ध्वनि गूंज रही है। आओ हम भी अपनी रसना को पवित्र करते हैं, अपने प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं, आओ हम भी अपनी रसना को पवित्र करते हैं। Govinde, Govinde, Radhe, Govinde, 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 Radhe, Govinde, Govinde,
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाले राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाले राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाले राधा कृष्ण गोविंद कृष्ण बोलिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। देखिए, चाहते हो बांके बिहारी हमारे जीवन में भी आ जाए, चाहते हो तो आओ जरा बुलंद स्वर में अपने प्रभु का जय जयकार करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अद्भुत नाम है ये, मुख से रटन करते ही हृदय में ठंडक पहुंचती है। प्रभु का नाम ऐसा है। आज जब प्रभु ने कृष्ण नाम को धारण किया, यशोदा मैया आनंदित हो उठी। रोहिणी जी भी अपने लल्ला को लेकर बार बार उसके नाम से पुकार रही है, बलराम बलराम। सारे नंद आंगन में अब बाल गोपाल के नाम गूंज रहे हैं। गोपियां नियमित रूप से आती, यशोदा जी के लल्ला का दर्शन करती और फिर अपने गृह कार्यों में संलग्न होती। जहां पहले मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती थी, अब उनकी आत्मा को लगता साकार भगवान यशोदा के आंगन में खेल रहा है, क्यों ना पहले उसका दर्शन करके आए। सारे पूजा व्रत उपवास छूट गए और सारी भक्ति कृष्ण के चरणों में जाकर समाहित हो गई। जब तक लल्ला का दर्शन ना हो, गोपियां अपने कार्य को आरंभ ही नहीं करती थी। अगर कभी दर्शन नहीं हुआ तो सारा दिन उनका चित्त उदास रहता था। ऐसा प्रेम था गोपियों का, ऐसा प्रेम था गोप ग्वालों का गोकुल के। दिन प्रतिदिन हमारे प्रभु की लीलाएं आगे चलने लगी। एक दिन सांझ ढले, रात्रि गहराने ही लगी थी, यशोदा मैया शीघ्रतिशीघ्र पाकशाला के कार्यों को पूर्ण कर जैसे ही कक्ष में पहुंची, कक्ष में जाकर देखा कि लल्ला तो है ही नहीं। यशोदा मैया यहां वहां अपने लल्ला को ढूंढ रही है, कहां गया? ना शैया पर है, ना धरा पर है, ना कक्ष में यहां वहां है। यशोदा मैया ने आवाज दी अपने स्वामी को, नंदराय जी, लल्ला आपके पास है क्या? नंदराय जी भी दौड़ते हुए आए, कहने लगे, मैं तो अभी अभी चौपाल से आया हूं, मुझे क्या पता कन्हैया कहां है। यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों कन्हैया को ढूंढने के लिए निकल गए। सारे कक्षों में देखा और जा पहुंचे आंगन में। आंगन में हमारा लल्ला, हमारे कन्हैया बीचों बीच बैठे हैं और आसमान की ओर देख रहे हैं। यशोदा मैया ने देखा, अरे देखो तो सही, घुटनन के बल चलकर मेरा लल्ला यहां तक आ गया और आकर अकेला आंगन में बैठा है। यशोदा मैया ने देखा कि ये किस ओर देख रहा है। देखा तो आकाश में चांद की ओर टुकटुकी बांध कर देख रहा है। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया क्या हुआ? कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। हमारे नन्हे से कन्हैया ने तुतलाते हुए कहा, मैया थिलौना थिलौना। मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, खिलौना? अरे नहीं, ये खिलौना नहीं है, ये तो चंदा मामा है, चंदा मामा। कन्हैया ने फिर से कहा, मैया थिलौना थिलौना। यशोदा मैया और नंद बाबा मुस्कुरा रहे हैं। तभी नंद बाबा खिलौने लेकर आ गए, लकड़ी की एक छोटी सी गैया है और उसे चलाकर दिखा रहे हैं, देख कन्हैया गैया कैसे चलती है। कन्हैया का ध्यान नहीं है और बाबा ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं। तभी बाबा ने देखा कि मैं जितने भी प्रयास कर रहा हूं लेकिन कन्हैया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही नहीं रही। कन्हैया ने फिर से मैया की ओर देखा, मैया थिलौना चाहिए, मैया थिलौना चाहिए। यशोदा मैया ने कहा, अरे लल्ला मैं उसे वहां से नीचे कैसे लाऊं? अरे वो तो चंदा मामा है, चंदा मामा आकाश में बहुत अच्छे लगते हैं, कितने प्यार से देख रहे हैं, तू भी बस उनको देख ले।
हमारे कन्हैया तो रुष्ट हो गए, मैया से रूठ गए, मुंह फुला लिया और मुख फेर लिया। यशोदा मैया ने नंदराय जी से कहा, देख रहे हो कितना हठी हो गया है। नंदराय जी ने कहा, मुझे तो इसका जो हट है मन को भा गया है। अरे ये तो योगी की तरह हट कर रहा है, अब बताओ यशोदा इसके हट को कैसे पूरा करोगी, कैसे लाओगी इस चांद को धरा पर। वो यशोदा जी जो अपनी भक्ति से नारायण को भूलोक पर साकार होने के लिए विवश कर दिया जिसने, क्या वो उसके लिए चांद नहीं ला सकती थी। बड़ी सी परात में पानी भर लिया यशोदा मैया ने और लाकर अपने कन्हैया के सामने रख दिया। चंदा की छवि पड़ गई पानी में और यशोदा मैया ने कहा, ये ले तेरा चांद खिलाना। और जैसे ही हमारे नन्हे से बाल गोपाल ने देखा और मुस्कुरा कर ताली बजा कर हंसने लगे, थिलौना 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 थिलौना। यशोदा मैया आनंद बाबा मुस्कुरा रहे हैं, आकाश में खड़े देवी देवता प्रभु की लीला को देखकर मंत्र मुक्त हो रहे हैं। कितना अनुपम दृश्य है, हमारे प्रभु चांद खिलौना मांग रहे हैं अपनी अटकेलियों से, अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं से। यशोदा मैया नंद बाबा गोकुल के गोप ग्वालों का गोपियों का सबका चित चुरा लिया है हमारे प्रभु ने, इतने सुंदर है हमारे प्रभु। आइए उस समय नंद आंगन में कैसा माहौल बना है, कितना सुंदर दृश्य घटित हो रहा है, आइए सुनते हैं उसके बारे में। सलोना नहीं इसके जैसा और कोई होना, नंद जी का सांवरा सलोना नहीं इसके जैसा और कोई होना। करे लीला ये न्यारी बैठा मधुबन की प्यारी, मांगे मैया से चांद का खिलौना। सांवरा सलोना
प्रभु के चरण है तरसते गोकुल के रास्ते कब से छूने को प्रभु के चरण है तरसते गोकुल के रास्ते जी का सांवरा सलोना कोई इसके जैसा और नहीं होना करे लीला ये न्यारी बैठा मधुबन की क्यारी मांगे मैया से चांद का थिलौना क्योंकि हमारे कन्हैया तो तुतलाकर बोलते हैं ना मांगे मैया से चांद का खिलौना हमारे प्रभु ने यशोदा मैया से चांद का खिलौना मांगा और मैया ने लाकर दे दिया ये चांद जिसे आज हमारे प्रभु यशोदा जी से मांग रहे हैं किस बात का प्रतीक है सोचिए चंद्रमा मनसो जातश चक्षुः सूर्यो अजायत चंद्रमा मन का प्रतीक है भगवान कहते हैं ये मन मुझे दे दो भगवत गीता के भीतर भगवान कृष्ण अर्जुन से भी यही कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु हे अर्जुन इस मन को मुझ में लगा दे इस मन को मुझे दे दे क्यों हमारे बांके बिहारी सदैव अपने भक्तों से उनके मन की मांग करते रहे क्योंकि सज्जनों हर समस्या का कारण अगर कुछ है तो वो ये मन है इस समाज में पनप रही समस्याएं चाहे वो फीमेल फिटिसाइड हो कन्या भ्रूण हत्या चाहे वो मोलेस्टेशन हो डाउरी डेथ हो रेप्स हो या आतंकवाद हो पापाचार हो हर एक के मूल में यदि कुछ है तो वो है इंसान का मन इंसान के मन में क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष जैसे कितने वायरसेस आ गए हैं भगवान इस वायरस के एंटीवायरस बनकर आए हैं वो मानव के मन को सही दिशा दिखाना चाहते हैं इसलिए उससे उसके मन की मांग कर रहे हैं क्योंकि हर समस्या का मूल है ये मन हर समस्या जन्मती है जन्म लेती है मन से एक बार एक स्कूल में ग्रुप फोटो होनी थी 10th क्लास के बच्चों की फोटोग्राफर को बुलाया गया पूछा गया एक बच्चे के कितने रुपए लेंगे उसने कहा 20 रुपए हेडमास्टर ने कहा बहुत ज्यादा है 10 रुपए ठीक है एक क्लास में 100 बच्चे हैं फोटोग्राफर मान गया अपने पियन को बुलाया कहा जाओ क्लास में और जाकर क्लास टीचर से कहना कि कल सब बच्चों से कहें 30-30 रुपए सब लेकर आए गया क्लास में क्लास टीचर से कह दिया क्लास टीचर ने क्लास में अनाउंस कर दिया कल ग्रुप फोटो है और सब बच्चों ने घर से 50-50 रुपए लेकर आना है बच्चा घर गया घर जाकर माँ से कहता है कल स्कूल में ग्रुप फोटो होनी है मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा और टीचर ने कहा है 100 रुपए लेकर आना है जैसे ही माँ ने सुना कहने लगी लो
लूट मचा रखी है स्कूल वालों ने। अपना सारा भरण पोषण लगता है बच्चों की फीस से करेंगे। चल रुक, तेरे पिता से मांगती हूँ। अजी सुनते हो गुड्डू के पापा, स्कूल में कोई ग्रुप फोटो होनी है, 200 रुपए देना जरा इसको। हर समस्या आप देखो तो उसके मध्य आपको मन दिखाई देगा। मुझे महाराजा रंजीत सिंह के जीवन की एक घटना बहुत सुंदर लगती है। जब मुगल हमारे इस धरा पर आए अपना आतंक मचाने, शासन करने, उस समय उन्होंने रंजीत सिंह के राज्यों को भी हड़पना चाहा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, युद्ध किया। और जब सेना युद्ध के लिए प्रयासरत रही तब मार्ग में एक नदी आ गई, नाम था अटक। रंजीत सिंह ने कहा क्यों रुक गए? उन्होंने कहा महाराज बड़ी गहरी नदी है, इसे पार करना असंभव है, इसका नाम है अटक नदी। रंजीत सिंह ने कहा सब धरती गोपाल की, तामे अटक कहां, जाके मन में अटक है सोई अटका यहां। जिसके मन में अटक है, जिसके मन में बाधा उत्पन्न हो गई, उसके लिए बाहर भी बाधा है, क्योंकि हर समस्या का मूल ये मन है, मन। और जब हम इस मन के अनुरूप चलते हैं, गलत दिशा की ओर बढ़ते हैं, तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं इंसान की हालत, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, कितने ऐसे मनोविकार हैं जिससे इंसान ग्रस्त हो गया है और फिर अपने जीवन का अंत कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। यही कारण है कि आज जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि चलो जल्दी से इंसान का उपचार करें, इलाज करें। एक समय था जब बायो इम्यूनिटी के बारे में बात होती थी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि शरीर को स्वस्थ रखा जाए। लेकिन अब साइको इम्यूनिटी की बात होती है कि इस मन को कैसे स्वस्थ रखा जाए। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किए, काउंसलिंग की, ऑटो सजेशन और क्या हिप्नोटिज्म भी अपना लिया उन्होंने, लेकिन क्या ये सब थेरेपीज काम आई? नहीं सज्जनों। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आत्महत्या यानी सुसाइड का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन ऊपर जा रहा है। इंसान अपने मन के विकारों से इतना ग्रसित है, अपने मन रोगों से लड़ नहीं पाता और अपने जीवन का अंत कर बैठता है। कहते हैं जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे फ्रायड, जुंग, एल्डर, ये सब बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए और उन्होंने बहुत सारी थेरेपीज दी इंसान के मन को स्वस्थ करने के लिए। लेकिन इनकी सारी थेरेपीज फेल हो गई क्योंकि ये तीनों ही आजीवन मनोरोग से पीड़ित रहे। भले ही वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट मन की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में असफल रहे हों, लेकिन भारत के ऋषि इसमें सफल रहे। भारत के ऋषि महर्षियों के पास वो उपाय है जिससे मन को फिर से स्वस्थ किया जा सकता है। कौन सा उपाय है? चलिए हमारे ऋषि महर्षियों के शोध पत्रों को खोलते हैं जिन्हें ग्रंथ कहा जाता है। मुंडको उपनिषद में आता है, एक बहुत सुंदर वर्णन किया है ऋषियों ने कि एक गठीला सा वृक्ष है और उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। ऊपर की डाल पर बैठा है एक पक्षी और एक नीचे की डाल पर बैठा है। जो ऊपर की डाल पर बैठा है वो शांत है, बस दृष्टा बनकर देख रहा है, उन फलों को भोग नहीं रहा, खा नहीं रहा। लेकिन जो नीचे की डाल पर पक्षी बैठा है वो बड़ा चंचल है, यहां वहां फुदक रहा है, जो फल लगे हैं उनका भक्षण भी कर रहा है। अगर कड़वा फल मिलता है तो रुदन करता है, पश्चाताप करता है। ऋषि व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये वृक्ष कोई और नहीं, ये वृक्ष हमारी देह है। इसमें जो ऊपर नीचे पक्षी बैठा है ये हमारे दो स्वरूप हैं। निम्न स्वरूप है हमारा मन और उच्च स्वरूप है हमारी आत्मा। ये मन ही है जो कर्म फल को भोग रहा है, कभी रोता है, कभी पछताता है, कभी हंसता है और धीरे धीरे भ्रमित हो जाता है और मनोरोगों से पीड़ित हो जाता है। लेकिन जो आत्मा है
वो निःस्पृह है और आनंद की अवस्था में है। सॉल्यूशन दिया ऋषियों ने, वो कहते हैं कि जिस क्षण ये नीचे डाल पर बैठा पक्षी ऊपर वाले पक्षी को देख लेगा, ये सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। जिस समय मन आत्मा का दर्शन कर लेगा, आत्मा के प्रकाश को पा लेगा, उस दिन ये सभी विकारों से मुक्त हो जाएगा, उस दिन ये सन्मार्ग की ओर बढ़ पाएगा। यही सॉल्यूशन हमारे ऋषि महर्षियों ने दिया, जिससे हम अपनी साइको इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। स्वामी राम तीर्थ इसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक एनालॉजी दी, माइंड एंड वॉच एनालॉजी, ध्यान से सुनना और समझना। उन्होंने कहा, हम एक पुराने जमाने की घड़ी लेते हैं, मैकेनिकल वॉच, अब तो नहीं चलती, पहले चलती थी, वो बहुत अच्छे से चल रही है, सुइयां भी बराबर घूम रही हैं और अच्छे से टाइम भी दिखा रही है। अब आप एक मैग्नेट लीजिए, उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, एक अच्छे क्षेत्र में फैला होना चाहिए। अब जब आप उस मैकेनिकल वॉच को वहां लेकर जाओगे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो उसके आयरन स्प्रिंग्स हैं वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, और जानते हो क्या होगा, उसके कारण से वो समय से आगे दौड़ने लगेगी या एकदम रुक जाएगी, यानी हमारे लिए बेकार हो जाएगी। राम तीरथ जी कहते हैं, अगर इसे फिर से चलाना है तो इसे डीमैग्नेटाइज करना होगा, इसे भूमि में गहरा दबा दो, जहां ये मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र से बाहर निकलाए, जहां ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से बाहर निकलाए, तो आप पाओगे कि ये फिर से काम करने लगी, ये फिर से आपको अच्छे से समय बताने लगी। राम तीरथ जी बताते हैं, कहते हैं कि आप अपने मन से स्वयं नहीं लड़ पाओगे, आप अपने मन के विकारों से, मन की बुराइयों से स्वयं मुक्त नहीं हो पाओगे। सज्जनों, हम बार बार प्रयास करते हैं कि हम सकारात्मक रहें, लेकिन फिर बुराई आकर हम पर हावी हो जाती है। हम हमेशा सोचते हैं कि सही मार्ग पर चलें, पर फिर गलत मार्ग पर निकल जाते हैं। राम तीरथ जी कहते हैं, इसका एक ही उपाय है, ये जो मन सांसारिक आकर्षणों में, माया के बंधनों में खींचा जाता है, ये मन काम करना बंद कर देता है या उल्टी दिशा में चलने लगता है। मैंने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार दिमाग ही नहीं चल रहा, समझ नहीं आता क्या करें, सब कुछ बेकार सा लगता है, ना हम कोई डिसीजन ले पाते हैं, ना किसी कार्य को ढंग से कर पाते हैं, क्यों? और मन के अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। राम तीरथ जी कहते हैं, इस मन को डीमैग्नेटाइज करना होगा, संसार के आकर्षण, माया के बंधनों से इसे मुक्त करना होगा, और उपाय वही है जो हमारे ग्रंथों ने, जो उपनिषदों ने कहा कि इसे आत्मा से जोड़ दो, इसे आत्मा का दर्शन करवा दो। आत्मा का दर्शन, आत्मा का जागरण ही अध्यात्म है, आत्मा को देख लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। सज्जनों, यही कार्य गुरु करते हैं, जब पूर्ण सद्गुरु जीवन में आते हैं, आपको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, यानी आपकी आत्मा को जागृत कर देते हैं, आपका मन उस आत्मा का, उस प्रकाश का दर्शन करने लगता है, और जब मन उससे जुड़ जाता है तो मन सही राह पर बढ़ने लगता है, उसे उचित दिशा मिलती है, और फिर सज्जनों आता है समाज में परिवर्तन। यही परिवर्तन आया अंगुलीमाल के जीवन में, जब महात्मा बुद्ध से अध्यात्म मिल गया, ब्रह्म ज्ञान मिल गया। इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा गणिका वैश्या के जीवन में बदलाव आया। सज्जनों, हम केवल कोरी बातें नहीं कर रहे, या शास्त्र ग्रंथों से पढ़ी हुई रटी रटाई बातें नहीं सुना रहे, हमने इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कई वर्षों से कैदियों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाता है। आप जानते हो, जो कैद में है, कारागार में है, उसका जीवन, उसका मन कैसा होगा जानते हो? जो सदैव प्रतिशोध की ज्वाला में जलते रहते थे,
जिन्हें लगता था कि बस यहाँ से बाहर निकलें तो जिसके कारण से जेल में आए हैं सबसे पहले उसे मार देंगे। श्री महाराज जी ने अपने शिष्यों को वहां भेजा और जब उन कैदियों को ब्रह्म ज्ञान मिला, जिस मन के कारण वो आज इस कैद में बंद थे, वो मन अब आत्मा के संपर्क में आ गया, प्रकाश से युक्त हो गया, उसे उचित दिशा दिखाई देने लग गई और जीवन देखते ही देखते बदल गया। उनका जीवन जाकर देखिए, जिन हाथों में हमेशा गन रहती थी आज वो हाथ प्रभु के सामने जुड़े हुए हैं, जिस मुख से केवल अब शब्द कहते थे आज उस मुख से भजन गाते हैं, जिस हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी आज उसमें लोगों को बदलने की भावना ने जन्म ले लिया है। अब उनसे पूछिए बाहर जाकर क्या करोगे, कहते हैं जिसकी वजह से यहाँ आए जाकर उसे ब्रह्म ज्ञान का संदेश देंगे ताकि जो परिवर्तन हमने पाया है वो भी उस परिवर्तन को पाले। ये है सज्जनों ब्रह्म ज्ञान का चमत्कार, यही भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में भी करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मन को मांग लिया कि अपना मन मुझे अर्पित कर दो तो देखना इस मन को बदल दूंगा, इंसान को बदलकर मैं समाज को बदल दूंगा। इसी संकल्प को लेकर हमारे प्रभु आए हैं। आओ अपने मन को अपने बांके बिहारी के चरणों में अर्पित करें, पूर्ण सद्गुरु के पास पहुंचकर अध्यात्म का वरण करें, अपनी आत्मा को जान लें। उस ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित होकर हम अपने बांके बिहारी को कह पाए, प्रभु आपने यशोदा जी से चांद मांगा था, आपने अर्जुन से मन मांगा था, हम भी तो आपके भक्त हैं प्रभु, लो हमने अपना मन भी आपको अर्पित कर दिया, इसे स्वीकार कीजिए, इसे सन्मार्ग दिखाइए प्रभु, इसे सन्मार्ग दिखाइए। अपने बांके बिहारी की आज्ञा को पूर्ण करते हुए आओ अपने प्रभु की लीलाओं का भी आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रभु की लीलाएं नियमित रूप से चलती रही, हमारे श्री हरि बाल रूप में लीलाएं कर रहे हैं और आप जानते हैं कि हमारे महादेव स्वयं को रोक नहीं पाए थे और प्रभु के बाल रूप का दर्शन करने गोकुल भूमि आए थे और जब से प्रभु का दर्शन कर वापस लौटे हैं, कैलाश पर बैठे हैं, आंखें मूंदी हैं लेकिन चेहरे पर एक बहुत सुंदर मुस्कान खिली हुई है। सामने खड़ी है माता पार्वती और नंदी। माता पार्वती ने भोलेनाथ के चेहरे पर जब वो मुस्कुराहट देखी, कहने लगी, हे स्वामी, हे भोलेनाथ, प्रभु आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है इसका रहस्य बताइए। भगवान शिव ने नेत्र खोले, कहने लगे, देवी श्री हरि बाल स्वरूप में लीलाएं कर रहे हैं, बस उन्हें ही देखकर मंत्र मुग्ध हो रहा हूं। वो चित्त चोर है, उन्होंने मेरे भी चित्त को चुरा लिया है। पार्वती ने सुना, सोचिए श्री हरि बाल स्वरूप में लीलाएं कर रहे हैं और स्वयं भगवान भोलेनाथ उसका बखान कर रहे हैं, तो पार्वती जी का हृदय किया कि वो भी जाएं, प्रभु का दर्शन करके आएं। हाथ जोड़े कहने लगी, प्रभु आप आज्ञा दें तो क्या मैं भी जाकर प्रभु की बाल रूप की लीलाओं का आनंद ले लूं। पास में खड़े थे नंदी, कहने लगे, हाँ महादेव, ये हमारी माता पार्वती, उनकी गैया और उनका बछड़ा, बस हम यूं गए और यूं आए। माता पार्वती ने सुना, बछड़ा, कहने लगे, नंदी ये बछड़ा कौन है? नंदी ने कहा, माते मैं ही तो हूं, आपके प्रेम को पाने वाला, आपके आपके वात्सल्य को पाने वाला आपका नन्ना सा बछड़ा मैं ही तो हूं माँ। जैसे ही माता पार्वती और महादेव ने ये सुना तो सब मुस्कुरा दिए और भगवान शिव की आज्ञा को पाकर हाथ में चिमटा पकड़े माता पार्वती अपनी गैया को लेकर और नंदी रूपी बछड़े को लेकर गोकुल की वीथियों में उतर आई। और आज मैया अपनी गैया और बछड़ों के साथ बछड़े के साथ घूम रही है और तलाश कर रही है, किसकी? यशोदा जी के आंगन की। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में है तुम्हारे। मैया आवाज लगा रही है, अरे गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे।
धीरे धीरे करते करते माँ गौरी यशोदा जी के आंगन के बाहर जाकर रुक गई। वहां भी जाकर माँ ने बुलंद स्वर में कहा, गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। हमारे नन्हे से कन्हैया ने दूर से देखा, अरे कितनी सुंदर गैया है, कितना सुंदर बछड़ा है। भाग गए अपने मैया के पास, मैया मैया गैया गैया। मैया ने कहा, हाँ हाँ हमारे घर में तो इतनी सारी गैया है। कन्हैया ने कहा, नहीं मैया, बोलने वाली गैया, बोलने वाली गैया। यशोदा मैया ने सुना बोलने वाली गैया, झट बाहर आ गई अपने स्वामी के साथ। और माता पार्वती वहां आवाज लगा रही थी, गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में है तुम्हारे। यशोदा मैया नंद बाबा कन्हैया आगे पहुंच गए। कन्हैया ने हाथ छुड़ाया और सीधे गैया के पास। यशोदा मैया पुकारती रही, अरे रुक जा संभल के माँ गौरी ने कहा, मेरी गैया कुछ नहीं कहती, ये तो बहुत प्यार देती है। आओ 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 इसके साथ खेलो, गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में है तुम्हारे। यशोदा जी ने कहा, सच्ची क्या ये सारे प्रश्नों का उत्तर देती है? गौरी ने कहा, हाँ हाँ पूछिए यशोदा जी पूछिए। यशोदा जी ने कहा, अच्छा ये तो बताओ कि, नंद बाबा ने कहा, रुक रुक मैं पूछता हूँ पहले, अच्छा ये बताइए कि मेरा बेटा बड़ा होकर राजा बनेगा, क्योंकि गर्गाचार्य जी कह रहे थे इसके अंदर राजाओं जैसे गुण हैं। माँ गौरी ने सुना और कहने लगी कि मेरी गैया कहती है कि ये बाहरी सिंहासन पर नहीं बैठेगा, ये तो सबके हृदयों के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएगा। ऊंचा कुल है, ऊंची पदवी मिलेगी, लेकिन सदैव गोकुल का ग्वाला बनकर रहेगा, सदैव यशोदा का लल्ला बनकर रहेगा। यशोदा मैया तो खुशी के मारे झूम उठी, कहने लगी, अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, पूछिए जरा गैया से कि मेरा जो बेटा है, ये जो मेरा लाल है, ये क्या पूछने लगी थी, हाँ हाँ ये जो मेरा लाल है, ये कभी कभी मैदान छोड़कर भागेगा तो नहीं, ये कभी अपने कर्तव्य पथ से भागेगा तो नहीं, जरा बताइए गैया से पूछकर। जैसे ही गौरी मैया ने गैया से पूछा, कहने लगी, अरे ये तो दुनिया का सबसे बड़ा रणछोड़ कहलाएगा, रणछोड़, लेकिन ये कर्तव्य से भागेगा नहीं, कर्तव्य के लिए भागेगा। नंदराय जी ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, ये किसी के साथ छल तो नहीं करेगा? गौरी मैया ने कहा, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा छलिया है, सबसे बड़ा छलिया, ये दुराचारियों पापाचारियों को छल लेगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। यशोदा जी ने कहा, रुकिए कैसे 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 प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा ये बताइए गैया से पूछकर कि मेरे लल्ला के जो विवाह योग कैसा है, कन्या कैसी होगी। गौरी मैया ने अपनी गैया से पूछा और कहने लगी, अरे एक कन्या नहीं, इसका तो कई कन्याओं से विवाह होगा, ये तो नारी जाति का उद्धारक कहलाएगा, नारी के सम्मान में, नारी को अच्छा स्थान दिलाने में एक अहम भूमिका निभाएगा, अरे इसके हाथों में तो बहुत सारी कन्याओं का योग है। ये सुनना था यशोदा मैया चुप, नंद बाबा मौन, कुछ कह ही नहीं पाए। तभी इस चुप्पी को तोड़ते हुए आई रोहिणी जी, गोद में उठाया है अपने लल्ला को, नीचे उतारा, कहने लगी, अच्छा मैंने सुना है ये गैया उत्तर देती है। माँ गौरी ने कहा, हाँ हाँ गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में है तुम्हारे। रोहिणी जी अपने प्रश्न पूछने लगी। कन्हैया ने दाऊ को इशारा किया, हमारे दाऊ ने गैया की पूछ को पकड़ा और कन्हैया ने बछड़े की पूछ को पकड़ लिया। हमारे नंदी को तो आनंद आने लगा, दौड़ने लगे नंदांगन में, आगे आगे बछड़ा और पीछे पीछे कन्हैया, आगे आगे गैया और पीछे पीछे दाऊ, दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं और उनका वेग भी अधिक है। कन्हैया और दाऊ चिल्लाने लगे, बाबा बचाओ, मैया बचाओ, बाबा बचाओ। हमारी गौरी मैया ने कनखियों से देखा गैया को और बछड़े को, दोनों वहीं रुक गए। और जैसे ही रुके, कन्हैया और दाऊ जाके पोखर में गिर गए। नंद बाबा जल्दी से दौड़े उन्हें बचाने के लिए, तो हमारे कन्हैया और दाऊ तो मुस्कुरा रहे थे,
बड़ा मजा आया, बाबा को सताया, बड़ा मजा आया, मैया को खिजाया, बड़ा मजा आया। सारे के सारे नंद आंगन में हंसी ठठाकों की गूंज गूंजने लगी। माँ गौरी ने जब प्रभु के इस बाल स्वरूप को देखा, प्रभु की इस अद्भुत लीला को देखा, मंत्रमुग्ध हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई। कहने लगी, यशोदा जी धन्य है आप, धन्य है जो ऐसा बाल गोपाल आपने पाया है। कितने वर्षों की, कितने जन्मों की तपस्या के बाद ऐसा बालक प्राप्त होता है। धन्य है यशोदा मैया, तू धन्य है। उस समय हमारी माँ गौरी गैया और बछड़े को संग लेकर चिमटा बजाती हुई यशोदा मैया को धन्य धन्य कहती हुई, गुनगुनाती हुई वहां से प्रस्थान करने लगी। और क्या कहती है? हेलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, आइए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की इस धर्म सभा में कुछ मुख्य अतिथिगण, सम्माननीय क्षेत्र के विशिष्ट जन उपस्थित हैं। दीप प्रज्वलन की इस परंपरा के वहन हेतु हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अशोक अग्रवाल जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार विकास संगठन विनायक प्लाजा मलदहिया वाराणसी से, आपका अभिनंदन है, कृपया मंच के निकट आएं। सोहन सोलंकी जी, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक वाराणसी से, आपका अभिनंदन है, मंच के निकट आएं। श्रीमती अनीता सिंह जी, मातृशक्ति सह संयोजिका वाराणसी से, आपका अभिनंदन है। विद्या सागर जी, काशी महानगर अध्यक्ष बीजेपी वाराणसी से, आपका अभिनंदन है। धीरज सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद महानगर उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र वाराणसी, आपका अभिनंदन है। रचना अग्रवाल जी, निदेशिका सागरमल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड वाराणसी, अभिनंदन है आपका। रामबली मौर्या जी एवं श्रीमती उर्मिला मौर्या जी, अध्यक्ष हनुमान ध्वजा फेरी समिति वाराणसी से, आपका अभिनंदन है। हासाराम बदलानी जी, अध्यक्ष सिंधी समाज वाराणसी से, आपका अभिनंदन है। डॉक्टर राजेश मौर्या जी गोरखपुर से, आपका भी अभिनंदन है। रचना अग्रवाल जी, आपका अभिनंदन है। एवं श्रीमती रितु कुमारी नटवार रोहतास विहार से, श्री महेश्वर सिंह जी ऑनर चंद्रवाटिका बसही वाराणसी से, मोहन रोहनियार बिजनेसमैन है वाराणसी से, रमेश गोयल जी बिजनेसमैन वाराणसी से, नीरज श्रीवास्तव जी क्षेत्रीय वन अधिकारी वाराणसी से, पीयूष अग्रवाल जी आप सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, और इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान हैं श्री अरविंद भालोटिया जी एवं श्रीमती अनीता भालोटिया जी, सपरिवार मंच के निकट आएँ। श्रीमान छोटेलाल चौधरी जी एवं श्रीमती माधुरी चौधरी जी एवं उनके सुपुत्र श्रीमान शशिभूषण सिंह जी रामनाथ चौधरी लान वाराणसी से, कृपया आप मंच के निकट आएँ। आज के उत्सव यजमान हैं विंध्यवासिनी पांडे जी एवं श्रीमती ममता पांडे जी वाराणसी से, अजय अग्रवाल जी एवं श्रीमती रजनी अग्रवाल जी, रमेश कुमार सुसरानी जी ममता कन्फेंशनरी वाराणसी से, नीता अग्रवाल जी एवं निर्मला भालोटिया जी बैजनाथ भालोटिया जी, निर्मला भवर तारा शर्मा स्वाति अग्रवाल जी वाराणसी से, कृपया आपका अभिनंदन है। एवं दैनिक यजमान हैं श्री ओमकारनाथ पाठक एवं श्रीमती उषा पाठक जी इंद्रानगर वाराणसी से, श्री उमाशंकर सिंह जी सपरिवार सिघरा वाराणसी से, श्री हजारी प्रसाद गुप्ता एवं कुसुम गुप्ता जी सपरिवार, कृपया मंच के निकट आएँ। हमारे उत्सव यजमान की श्रृंखला में श्रीमान परमानंद सिंह जी एवं श्रीमती सरिता सिंह जी जलालीपट्टी वाराणसी से, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस कथा के अंदर, श्री विजेंद्र पांडे जी एवं श्रीमती गायत्री पांडे जी, श्री ब्रजेश सिंह जी एवं श्रीमती संगीता सिंह जी, श्रीमती राजकुमारी देवी जी सपरिवार बिहार से हैं आप, श्री शुभेंद्र शंकर जायसवाल जी एवं श्रीमती प्रीति जायसवाल जी, श्री आर वी प्रसाद जी एवं श्रीमती माया देवी जी, श्रीमान राम वृक्ष वर्मा जी एवं श्रीमती भाग्यवनी देवी जी खजनी गोरखपुर से,
श्रीमती श्यामा देवी जी एवं उनके परिवार परमानंदपुर चांदमारी वाराणसी से, श्रीमान मिथिलेश शर्मा जी गोरखनाथ गोरखपुर से, आप सभी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आइए पूज्य कथावासी को आगे बढ़ें। है धन्य तू मात यशोदा, है धन्य तू मात यशोदा, है धन्य तू मात यशोदा। तूने भाग्य अनोखा पाया है, अद्भुत ये तेरा जाया है। तूने भाग्य अनोखा पाया है, तेरा जाया है। ये मन को लुभाए और अपना बनाए, ये मन को लुभाए और अपना बनाए। इस देख सभी ये गाए, है धन्य तू मात यशोदा।
माता पार्वती, यशोदा जी के भाग्य को धन्य धन्य अनुभव करते हुए और स्वयं प्रभु के उन लीलाओं को अपने नेत्रों में समाते हुए, प्रभु की उस लीला का दर्शन करते हुए अपनी गैया और अपने नंदी को साथ लेकर वापस कैलाश पहुंच गई। प्रभु की लीलाएं जिन्होंने ना केवल गोप ग्वाले व गोपियों का आकर्षित किया, उन्होंने तो साक्षात महादेव और देवी पार्वती को भी खींच लिया, आकर्षित कर लिया। आए दिन हमारे गोकुल में कोई ना कोई आता रहता और दूर दूर के गांव से कन्हैया की महिमा सुनकर आते और कन्हैया का दर्शन करने आते, और अब जब वो चलने लगे हैं तो घर में रुकते नहीं हैं। भोर होती है, यशोदा मैया लल्ला का श्रृंगार करती है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है, पीले रंग के वस्त्रों को पहनकर हमारे प्रभु और भी सुंदर लगते हैं। मैया ने आज सुबह सुबह अपने ग्वाले का, अपने बाल गोपाल का श्रृंगार पूर्ण किया, काला टीका लगाया, बलैया ली। उसी क्षण आवाज आई द्वार से, अरे ओ कन्हैया, तैयार हो गया तो चलें। कन्हैया के बड़े बड़े गोप ग्वाल उसे खेलने के लिए ले जाने आए हैं। जैसे ही अपने गोप ग्वालों की आवाज को सुना, कन्हैया तो झट से माँ की गोद से नीचे उतरे और भागने लगे। मैया ने कहा, रुक 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 रुक, अरे पाँव में कुछ पहन तो ले। मैया ने अपने कन्हैया को छोटी छोटी जूतियां पहनाई और फिर भेज दिया। अपने बलदाऊ का हाथ थामे, बड़े बड़े गोप ग्वालों के संग हमारे प्रभु पहुंच गए क्रीड़ा के मैदान में। बलदाऊ ने कन्हैया से कहा, तू अभी छोटा है, यही मिट्टी के टीले पर बैठ और देख हम में से कोई भी खेल में चतुराई ना करे। हमारा नन्हा सा कन्हैया मिट्टी के टीले पर बैठ गया। बड़े बड़े गोप ग्वाल और दाऊ जाकर खेलने लगे। हमारे प्रभु को तो मौका मिल गया। जैसे ही माटी को स्पर्श किया, उसी समय माँ वसुंधरा प्रभु के समक्ष प्रकट हो गई। कहने लगी, प्रभु मैं धन्य हो गई, आपने मुझे पापियों के बोझ से मुक्त करने के लिए आप स्वयं इस धरा पर साकार रूप में आए हैं। मैं धन्य हो गई, आपने मेरा स्पर्श किया है, मैं आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ प्रभु। लेकिन क्या अर्पित करूँ, मेरे पास तो केवल मिट्टी है, कंकड़ है और पत्थर है। प्रभु कहने लगे, वसुंधरा तुम्हारी ये मिट्टी साधारण नहीं है, ये अमृत के तुल्य है, हम इसे ही ग्रहण करते हैं। और प्रभु ने उसी समय मिट्टी का एक ढेला उठाया और मुख में रख लिया। गदगद हुई माँ वसुंधरा, अंतर्धान हो गई, और हमारे नन्हे से कन्हैया मैया का प्रसाद समझकर लगे मिट्टी के ढेले मुख में रखने। बड़ी देर हो गई, दाऊ ने देखा कन्हैया ने अब तक मुझे आवाज नहीं दी, दूर से ही झांक रहे हैं, क्या कर रहा है। अरे बाप रे बाप, मिट्टी के टीले पर बैठा है और मिट्टी के ढेले को मुख में डाल रहा है, दौड़ते हुए आए, अरे क्या कर रहा है, मिट्टी खा रहा है, चल निकाल बाहर। कन्हैया ने कंधों को उचका दिया, क्यों क्यों ना खाऊं। दाऊ ने कहा, हाँ मैं दाऊ हूं तेरा, तुझसे कह रहा हूं मिट्टी खाना बुरी बात होती है, चल निकाल। कन्हैया ने कहा, नहीं निकालूंगा। दाऊ ने कहा, देख निकालता है या नहीं, लगाऊं यशोदा मैया को शिकायत। कन्हैया ने कहा, लगा दे। दाऊ ने कहा, सच्ची लगा दूं। कन्हैया ने कहा, लगा दे, कौन डरता है यशोदा मैया से। दाऊ भैया दौड़ते हुए गए, यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया। मैया ने कहा, हाँ हाँ सांस तो ले ले, बोल क्या हुआ है। यशोदा मैया, आपने इतना सुंदर तैयार करके उसे भेजा, मिट्टी के टीले पर बैठा है और मिट्टी खा रहा है। यशोदा मैया ने सुना, कहने लगी, बुला कर ला। दाऊ दौड़ते हुए वापिस आए, कहने लगे, कन्हैया कन्हैया चल। कन्हैया ने कहा, कहाँ जाना है। अरे यशोदा मैया बुला रही है। क्यों बुला रही है। कह रही है कन्हैया को, आज वो त्योहार है ना घर में, तो प्रसाद देना है। कन्हैया ने सुना, कहने लगे, त्योहार, आज कौन सा त्योहार है, आज कौन सा उत्सव है, मुझे तो पता ही नहीं। दाऊ ने कहा, तुझे नहीं पता। कन्हैया ने कहा, नहीं पता।
दाऊ ने कहा आज तो सबसे बड़ा उत्सव है, कान्हा पिटाई का दिन है आज। चल बच्चू, मैया घर पे तेरी प्रतीक्षा कर रही है, हाथ में लाठी पकड़ी है। जैसे ही मैया का नाम सुना, झट से मिट्टी के टीले से उठे, कपड़ों पर जो मिट्टी लगी थी उसे झाड़ दिया और मुख को साफ किया, दाऊ की ओर देखा, कहने लगे, दाऊ चुगली ना बुरी बात होती है। दाऊ ने कहा चल चल जा यहां से, बड़ा आया था। कन्हैया दौड़ते हुए पहुंच गए घर की ओर। सारी सृष्टि जिससे कांपती है, भयभीत रहती है, आज सृष्टि का कर्ता धरता अपनी मैया से डर रहा है। दबे पांव गृह में प्रवेश किया, यशोदा मैया खाट पर बैठी है, पास में लाठी पकड़ी हुई है। यशोदा मैया के पीछे से निकलने लगे, उससे पूर्व ही मानो मैया की तो आज कोई पीछे की आंख खुली थी, मैया ने अपना हाथ घुमाया और कन्हैया को पकड़ लिया। क्यों रे चटोरे, मिट्टी के टीले पर बैठकर क्या हो रहा था? कुछ नहीं मैया, मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, ये तेरा दाऊ झूठ बोल रहा है। मैया मैं सच्ची कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, दाऊ ने केवल आपके कान भरे हैं। यशोदा मैया कहती है, सच्ची सच्ची बता, तूने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा, सच्ची मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया ने कहा, तो तेरा दाऊ झूठ बोलता है। कन्हैया ने कहा, मैया, मैया ने कहा क्या है? मैया नीचे तो आओ। मैया थोड़ा नीचे हुई। कन्हैया ने मैया के कान में कहा, मैया ये जो दाऊ है ना, दाऊ ये खेल के मैदान में खेल रहे थे और जब ये थक गए तो आकर मेरे पास बैठ गए और मुझे कहते हैं चल कन्हैया मेरे पांव दबा। मैंने कहा, दाऊ आपके पांव तो इतने मोटे हैं और मेरे हाथ तो इतने छोटे हैं, इतने छोटे छोटे हाथों से मैं इतने मोटे मोटे पांव कैसे दबाऊंगा? दाऊ ने कहा, देख पांव दबाता है या यशोदा मैया से झूठी शिकायत करूं? मैंने कहा भी, मैया दाऊ मेरे हाथ इतने छोटे हैं, अगर मैं आपके पांव दबाऊंगा मेरे हाथ दुख नहीं जाएंगे? बस मैया मैंने पांव नहीं दबाए, अगर आपको झूठी शिकायत लगा दी इन्होंने। मैया ने झट तुनकते हुए दाऊ की ओर देखा, दाऊ ने दूर से इशारा किया, मैया इसकी बातों में मत आना, इसके मुख में देखो। मैया ने कहा, अच्छा अच्छा दाऊ झूठ कह रहा है, चल तू मुख खोल के दिखा दे। मैया ने बार बार कन्हैया से कहा, मुख खोल, हमारे प्रभु को मुख खोलना ही पड़ा। और जब प्रभु ने मुख खोला तो क्या वहां मिट्टी थी? वहां पर तो संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश पाताल, स्वर्ग ग्रह नक्षत्र तारे और साक्षात प्रभु उसके अंदर लीला कर रहे हैं। यशोदा मैया ने अपने लल्ला के मुख में देख लिया, बावरी सी हो गई, पलके झपका झपका कर देख रही है, क्या ये मेरा लल्ला है? तभी प्रभु ने अपनी योग माया का स्मरण किया और जो दृश्य यशोदा मैया ने देखा था उसे विस्मृत करवा दिया। कुछ ऐसा ही दृश्य त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता कौसल्या को भी दिखाया, अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड और भगवान का दर्शन करवा दिया। सोचने वाली बात है नहीं? हमारे प्रभु अवतार लेकर आए और उन अवतारों ने त्रेता में और द्वापर में एक जैसी लीला की। कभी सोचा, कभी विचार किया कि आखिर प्रभु ने अपने मुख में मां को जो ब्रह्मांड दिखाया है वो किसका प्रतीक है? भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत बार सुनी हैं। ये कथा इसलिए अलग है क्योंकि ये कथा आपको शब्दों से उसके अर्थ तक ले जाने आई है। भगवान की लीलाओं में छिपा हुआ जो रहस्य है उसे खोलकर समझाने आई है। भगवान ने अपनी इस देह में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया, अर्थात प्रभु समझाना चाहते हैं कि इस मानव देह में संपूर्ण ब्रह्मांड है, अनंत नजारे हैं और साक्षात नारायण इस देह में विराजमान है। आप कहेंगे, इतनी छोटी सी देह में इतना विशाल ब्रह्मांड कैसे समा सकता है? जब आपकी छोटी सी माइक्रोचिप में, आपकी छोटी सी पेन ड्राइव में आपके कितने सहस्रों बाइट्स डेटा स्टोर हो सकता है, तो क्या वो नारायण, क्या वो सृष्टि का निर्माता इस देह के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को नहीं बसा सकता? कर सकता है।
जैसे पेन ड्राइव और माइक्रोचिप में जो डाटा होता है वो सूक्ष्म रूप में बाइनरी फॉर्म में होता है, ऐसे ही ये अनंत नजारा हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में है। ये प्रकट होता है, लेकिन तब प्रकट होता है जब जीवन में एक परफेक्ट मास्टर आता है। दिस बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड अ परफेक्ट मास्टर। जीता जागता ईश्वर का मंदिर है, क्योंकि वो भगवान इसमें विराजमान है। लेकिन टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड अ परफेक्ट मास्टर। इसमें प्रवेश करने के लिए एक मास्टर चाहिए, एक गुरु चाहिए, एक स्पिरिचुअल मेंटर चाहिए। जैसे आप मंदिर जाएं, मंदिर के कपाट बंद हैं, आप जाकर पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी द्वार खोलिए, भगवान का दर्शन करना है। यही करते हो? बस यही इस आंतरिक मंदिर में भी करना है। पहुंच जाइए ब्रह्मनिष्ठ किसी सद्गुरु के पास और जाकर आग्रह कीजिए कि ये कपाट खोलिए, इस शिव नेत्र को खोलिए, इस दिव्य चक्षु को खोल दीजिए और हमें हमारे नारायण से मिलवा दीजिए, उस अनंत नजारों से हमें जोड़ दीजिए। जब सद्गुरु जीवन में आते हैं ना सज्जनों, इस पंडाल में बैठे कितने सारे ऐसे जिज्ञासु हैं जिन्होंने आज पूर्ण सद्गुरु की कृपा से अपने भीतर ब्रह्म ज्ञान को पाया है। उनसे जाकर पूछना कि उन्हें कैसी कैसी अनुभूतियां हुई हैं। किसी ने महादेव को देखा, किसी ने साक्षात पार्वती को देखा, किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन किया, तो किसी ने वेदों मंत्रों की ध्वनि को अपने अंतर जगत में सुना। जब गुरु मिलते हैं आपको चार चीजों का लाभ देते हैं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे आप बाहर के मंदिर में जाते हो, ऐसे ही आज हम अंतर के मंदिर में भी जाएंगे। हम भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले उसकी सुंदर सी मूरत दिखाई देती है। कभी आपने भगवान की मूरत को देखा? हम भगवान का जब भी कोई चित्र देखते हैं तो उसके पीछे हमें एक प्रकाश का चक्र घूमता दिखाई देता है, बनाया होता है। देखा है फोटोज में? क्यों? सिंबॉलिक है, प्रतीक है कि भगवान प्रकाश स्वरूप में है। सोचकर देखो, घर से कहकर निकलते हो भगवान को देखने जा रहा हूं, लेकिन जाके भगवान के मूरत के सामने आंखें बंद कर लेते हो। क्यों जी? गए तो उसे देखने थे तो आंखें खोलकर देख लेते। उसे इन आंखों से देखा नहीं जाता, उसे तो इस तृतीय नेत्र से देखा जाता है। वो प्रकाश रूप में आपके अंदर बैठा है और जब गुरु मिलता है सबसे पहले प्रकाश का दर्शन करवा देता है। सज्जनों, जिस समय आरती का थाल आता है आप झट से आरती लेते हो और ऐसे कर लेते हो। करते हो? क्यों करते हो? कभी पूछा अपनी दादा दादी से? कभी पंडित जी से जाकर पूछा? नहीं। ये स्थान जहां भगवान विराजते हैं, यहां प्रकाश है, हम उस प्रकाश से लेकर यहां समाहित करते हैं। हमारी आत्मा जानती है, हमारे संस्कारों में बसा है, बस अंदर जाने भर की देरी है, उस प्रकाश को देखने भर की देरी है। भगवान श्री हरि की चार भुजाएं हैं, पहले में सुदर्शन चक्र है जो सुंदर दर्शन का प्रतीक है, जो गुरु आपको दिखाता है। दूसरी भुजा में है गदा। गदा क्या करती है? प्रहार करती है, हमारी रक्षा करती है। ये प्रतीक है प्रभु के नाम का। कोई कहता है बांके बिहारी, कोई कहता है कृष्ण मुरारी, कोई कहता है गोवर्धन धारी। कितने सारे नाम है हमारे प्रभु के। जिसको जो नाम भा गया उसने वही नाम प्रभु का रख दिया। लेकिन आपसे एक प्रश्न करती हूं, हम भगवान को इतने प्रेम से बुलाते हैं, इतने नए नए नामों से बुलाते हैं, क्या हमारी पुकार पर वो लड्डू गोपाल हमारे पास आया? जब जीवन में संकट था, जब वो द्रौपदी की रक्षा के लिए आया,
84 लाख का जीव गजेंद्र की पुकार को सुनकर आया, क्या वो हमारी पुकार पर आया? नहीं आया। क्यों क्यों नहीं आया? आपके जीवन का व्यवहारिक उदाहरण लूं तो आपका नाम मान लीजिए सुरेश शर्मा है। आपके घर के बाहर कोई दस्तक देता है और मुकेश मुकेश आवाज लगा रहा है, क्या सुरेश भाई साहब बाहर जाएंगे? जाओगे बाहर? नहीं जाओगे। भगवान को जिन भिन्न भिन्न नामों से बुला रहे हैं, ये उनके गुणवाचक नाम हैं, उन्हें प्रेम से हम बुला रहे हैं। जो जो प्रभु ने लीलाएं की वो नाम रख दिए गए। जो नाम हमें पसंद आया हमने प्रेम से बुलाया। लेकिन भगवान आते नहीं क्योंकि उनका सच्चे नाम से हम बुलाते नहीं। छोटा सा एग्जाम्पल मैं हमेशा कथा में देती हूँ। एक दादाजी थे, अपने पोते का नाम प्रेम से लड्डू रखा है। मेरा लड्डू, मेरा लड्डू, मेरा लड्डू। लड्डू हो गया बड़ा, स्कूल में हो गया एडमिशन। अब उसका नाम रख दिया सचिन वर्मा। ठीक है, दादाजी को बड़ी याद आई अपने लड्डू की। दिन में पहुंच गए स्कूल, मैडम से जाकर कहा जरा मेरे लड्डू को बुलाइए, सुबह से देखा नहीं है। मैडम ने कहा लड्डू? कौन सा लड्डू? अरे वही जिसके बड़े मोटे मोटे गाल हैं, बड़ी प्यारी प्यारी आंखें हैं, बड़ा प्यारी प्यारी बातें करता है वो, उसे बुलाइए तो सही। मैडम ने सुना, कहने लगी यहाँ तो किसी का लड्डू है, किसी की बर्फी है, किसी का पेड़ा है, अब पता नहीं आपका लड्डू कौन सा है। दादाजी उदास होके घर आ गए, बेटे को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। बेटे ने कहा पिताजी ये तो आप उसे प्यार से बुलाते हो, उसका नाम तो है सचिन वर्मा, जाकर मैडम से ये कहिए। दादाजी वापस पहुंच गए, जाकर कहा मैडम से कि सचिन वर्मा को बुलाइए। मैडम जाकर बच्चे की उंगली पकड़ कर ले आई। दादाजी ने जैसे ही देखा, अरे मेरा लड्डू आ गया, मेरा लड्डू आ गया। लड्डू मिल गया दादाजी को, दादाजी हो गए प्रसन्न। यही स्थिति हमारी है। हम भगवान को प्रेम से बुलाते हैं, उसके गुणों के आधार पर रखे गए नामों से बुलाते हैं, लेकिन वो आएगा तब जब सच्चे नाम से पुकारोगे। और भगवान का सच्चा नाम शब्दों से परे है, इसलिए भगवान कृष्ण को गीता में कहना पड़ा अव्यक्तो अक्षर। मेरे शब्द को, मेरे नाम को लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, रटा नहीं जा सकता। मेरे नाम को श्वासों में सुना जाता है। जीवन में परफेक्ट मास्टर आता है तो उसी शाश्वत नाम को प्रकट करता है। और सज्जनों जब वो नाम प्रकट होता है, उसी क्षण भगवान दर्शन देने के लिए अंतर जगत में प्रकट हो जाते हैं। ये सद्गुरु की कृपा से होता है। वो नाम कहीं शब्दों में नहीं, वो नाम आपके अंतर घट में चल रहा है। बस एक गुरु की कृपा हस्त चाहिए, एक गुरु की कृपा चाहिए और कुछ नहीं। भगवान श्री हरि की जो तीसरी भुजा है उसमें क्या है? उसमें है शंख। शंख प्रतीक है संगीत का। आप मंदिर जाते हो, जब तक घंटी ना बजाओ तो हृदय को चैन नहीं आता। घंटी बजाई, अंदर गए, अंदर शंख बज रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं हम। आप इस मंच से भी संगीत सुन रहे हैं। ये संगीत है जिसे बजाना पड़ता है। लेकिन भगवान का संगीत कैसा है? बिना बजाए निशदिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे। बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर बिसारी रे। ये बाहर के संगीत को बहरा नहीं सुन सकता, लेकिन जो संगीत हमारे अंदर बज रहा है, जो निशदिन बज रहा है, हर घड़ी हर क्षण बज रहा है, क्या सुन पा रहे हो? नहीं, क्योंकि अभी वो अप्रकट है। जिस दिन गुरु जीवन में आएगा, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेगा, उस दिव्य संगीत को, उस अनहद नाद को आपके भीतर प्रकट कर देगा। कृष्ण की बंसी इसी का प्रतीक है, शिव का डमरू इसी बात का सूचक है। श्री हरि के भुजा में जो चंख पकड़ा है उन्होंने, ये यही इंगित कर रहा है कि हम अपने दिव्य संगीत से जुड़े। प्रभु की चौथी भुजा में है कमल का पुष्प। ये किसका प्रतीक है?
अगर प्रभु ने अपनी चार चार भुजाओं में आयुध या कुछ भी पकड़ा है तो वह हमें समझाने के लिए पकड़ा है। कमल का पुष्प प्रतीक है अमृत का, वो अमृत जो आप मंदिर में जाते हो झट पंडित जी से कहते हो चरणामृत देना, पंडित जी भी मीठा पानी देते हैं, आप जल्दी से ग्रहण करते और यहां लगा लेते हो। लगाते हो क्यों? लगाते हो क्यों? लगाते हो? मैंने तो सुना है आजकल के बच्चे अपने बालों में जेल लगाते हैं, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं हम उस मीठे पानी को भी लगा लेते हैं, क्यों? प्रश्न पूछना अभी बाकी है, वास्तविकता तक पहुंचना अभी शेष है। आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, शिवलिंग के ऊपर एक कुंभ लटका हुआ है, उसमें से बूंद बूंद अमृत टपक रहा है और शिवलिंग पर गिर रहा है, किसका प्रतीक है? गगन मंडल अमृत का कुआं, जहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे निगुरा मर्त प्यासा। ये अमृत का कुंभ है, आप जो अमृत यहां पीकर यहां हाथ लगा लेते हो, ये प्रतीक है कि इस चरणामृत से अब इस चरणामृत की ओर जाना है, जहां से एक एक बूंद आपके अंदर टपक रही है, पी नहीं पाओगे। सगुरा होवे भर भर पीवे निगुरा मर्त प्यासा, जिसके जीवन में गुरु नहीं वो प्यासा ही रह जाएगा, जो गुरु के चरणों में पहुंच गया वो इस अमृत का पान कर लेगा। श्री हरि की चार बुझाएं हमें समझा रही हैं, जागो। बाहर जो मंदिर स्थापित है इसमें जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो भी हमें वास्तविकता की ओर बढ़ने का इशारा कर रही हैं, चलो उस ओर। विवेकानंद जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि जब एक बच्चा मंदिर में जाता है तो मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है, लेकिन जब एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो मैं उदास हो जाता हूं। पूछने वाले ने पूछ लिया, क्यों भाई? मंदिर में तो कोई भी जाए प्रसन्न होना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा, कारण यह है कि जिस समय बच्चा मंदिर में जाता है जिज्ञासु है, मम्मी घंटी क्यों बजाई, पापा ये मंदिर में आए तो भगवान के दर्शन करने थे तो आंखें क्यों मूंद ली, वो हर चीज के पीछे एक प्रश्न पूछेगा। अगर उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिलता चला गया, उसे समाधान मिलता चला गया, तो वो सत्य तक पहुंच जाएगा। विवेकानंद जी कहते हैं, लेकिन वृद्ध मंदिर में जाता है तो दुख होता है, कितना लंबा जीवन इसने जिया, रोज मंदिर आया, दिन में एक बार नहीं दो बार आया, तीन बार आया, इसने सारी पूजा पद्धति की क्रियाओं को दोहराया, लेकिन कभी इसके मन में प्रश्न नहीं उठा, कभी इसने जिज्ञासा प्रकट नहीं की, अपनी पूजा पद्धतियों के पीछे जो वैज्ञानिकता छिपी थी कभी उसे जानना नहीं चाहा, इसलिए मेरा मन दुखी हो जाता है। सज्जनों समझिए उनका इशारा, बाहर का मंदिर प्रतीक है कि हम इस मंदिर में उतरे जो हमारे भगवान ने हमें दिया है, जिसके अंदर साक्षात नारायण विराजमान है, बस एक गुरु चाहिए जीवन में, एक परफेक्ट मास्टर चाहिए। जिस क्षण गुरु जीवन में आ गया इस मंदिर का ताला खुल जाएगा और आप देह रूपी इस मंदिर में प्रवेश कर जाओगे और अपने भीतर अनंत नजारों को देखोगे, अनुभूतियों को देखोगे। बहुत सुंदर इन्हीं नजारों के बारे में किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में उसे बांधा, आओ हम उसे ताल और लयबद्ध करके एक भजन के रूप में सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और उसके सार को जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं।
देखो जगत निराला घट देखो जगत निराला कोटि भानु शशि तारा गण निसबासर करत उजाला निसबासर करत उजाला घट देखा दिव्य नजारा घट देखा अगम अपारा 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 शंख मृदंगा वीणा अनहद बाजा बाजे घंटा शंख मृदंगा वीणा अनहद बाजा बाजे घुमड़ घुमड़ कर आई घटाए गगन मंडल अब गाजे जाप हो निसबासर फिरत निरंजन माला बिन जीवा अमृत रस चाख्यो बिन जीवा अमृत रस चाख्यो तन मन भय निहाला मेरा तन मन भय निहाला घट देखा दिव्य नजारा घट देखा अगम अपारा घट देखा दिव्य नजारा घट देखा अगम अपारा कमल सीधो भयो है आठो पहर आनंदा सुरती साध ही में देखो केल करत मुकुंदा तहां केल करत मुकुंदा सतगुरु परदा खोल दिखायो सतगुरु परदा खोल दिखायो दुविधा सकल विनाशी बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको घट पायो अविनाशी हो बलिहारी जाऊं तोरे हो बलिहारी गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला कोटि भानु शशि तारा गण निसबासर करत उजाला निसबासर करत उजाला निसबासर करत उजाला घट देखा दिव्य नजारा घट देखा अगम अपारा घट देखा दिव्य नजारा घट देखा अगम जगमग ज्योत गगन में झलके धीरे राग सुनावे मधुर मधुर धुन अनहद बाजे अमृत की झरनावे जगत में बहुते गुरु तन भू
ये वाक्य, ये शब्द, ये एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ये हमारा भी बन सकता है। जिस थ्योरी को सुन रहे हैं, जिन एक्सपीरियंसेस को सुन रहे हैं, कृष्ण की जिन लीलाओं को सुन रहे हैं, जिसके मर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हम कर सकते हैं। सज्जनों, हम सब ने जो मंचासीन आप देख रहे हैं साधकों को, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की दया से हमने देखा है। देखकर भगवान की लीलाओं को आपके सामने रख रहे हैं और इसलिए आपके क्षेत्र में आए हैं आपको कृष्ण की कथा सुनाने, ताकि आप सब भी देख लें कृष्ण को और फिर अपनी भक्ति को आगे ले जाएं। प्रयास कीजिए, कृष्ण की लीलाओं को सुनने मात्र तक सीमित ना रहिए। केवल ये मत कहिए कि मैं कृष्ण को मानता हूं, ये कहिए मैं कृष्ण की मानता हूं। भगवद गीता खोलिए, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। जाओ महापुरुषों के पास जाओ, तत्वनिष्ठ महापुरुषों की शरण में बैठकर प्रश्न करो, क्या भगवान दिखाओगे, क्या अनंत नजारों से जोड़ दोगे, क्या इस देह रूपी मंदिर में उतार दोगे, क्या शाश्वत सनातन ब्रह्म ज्ञान से हमें भगवान का दर्शन करवा दोगे। उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, अगर वो पूर्ण सद्गुरु हैं तो आपको अवश्य प्रभु का दर्शन मिलेगा, कहीं नहीं मिलता। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, क्योंकि हर जिज्ञासु, हर पिपासु यहाँ सदैव आमंत्रित है। हमने देखा है, सारा विश्व देख सकता है, क्योंकि भगवान को देखना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस मानव देह को पाया है तो भगवान को पाने की क्षमता भी आप सबको मिली है, बस वो प्यास जगाना बाकी है, वो कोशिश करना बाकी है, ताकि जिन अनुभवों को हम सुन रहे हैं ये हमारे जीवन का भी अनुभव बन जाए। भगवान कृष्ण की लीला समझा रही है, इस देह में उतरो, बहुत हो गए एक्सट्रोवर्ट, अब इंट्रोवर्ट भी हो जाओ, अपने भीतर अनंत नजारे देखो, प्रभु की लीला में यही रहस्य छिपा है। प्रभु हमारे गोकुल भूमि से निकलकर वृंदावन में पहुंच गए, क्योंकि गोकुल भूमि में बहुत उत्पात हुए। कंस महाराज अब भी अपने काल को ढूंढ रहा है और न जाने उसने कितने सारे असुरों को भेजा है। उसे संदेह है कि नंद राय जी के यहाँ जो बाल गोपाल है, हो ना हो यही देवकी की आठवीं संतान है, इसलिए बहुत सारे असुरों को भेजा गया। लेकिन हमारे कन्हैया ने मामा के द्वारा भेजे गए हर एक खिलौने को तोड़कर उन्हें वापस भेज दिया। गोकुल भूमि में बहुत उत्पात हुए, इसलिए सारे गोकुलवासी वृंदावन पहुंच गए, अब वृंदावन वासी बन गए। हमारे कन्हैया अपने गोप ग्वालों के संग खेल रहे हैं, कन्हैया की दृष्टि गई मनसुखा पर, कहने लगे, मनसुखा अरे कुछ खा पी, खाया पिया कर, देख कितना दुबला पतला हो गया है। मनसुखा ने बड़ा उदास सा चेहरा बनाया, कहने लगा क्या करूं। कन्हैया ने कहा क्या करूं, क्या दूध दूध पी, दही खा, माखन खा। मनसुखा ने कहा तुझे नहीं पता, मैं जैसे ही दूध की मटकी के पास जाता हूँ, मैया कहती है मनसुखा हाथ मत लगाना, कंस महाराज को कर देने जाना है। जैसे ही मैं माखन की मटकी के पास जाता हूँ, मैया फिर चेतावनी देती है, देख मनसुखा मटकी को हाथ मत लगाना। क्या करूँ कन्हैया, ना दूध मिलता है, ना दही मिलती है, ना माखन मिलता है। कन्हैया ने सुना ये बात है, कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, मैं खिलाऊंगा तुझे माखन। मनसुखा ने कहा तू खिलाएगा, तेरी यशोदा मैया तेरी पिटाई नहीं कर देगी अगर तू रोज मुझे अपने घर से माखन खिलाएगा। कन्हैया ने कहा तुझे किसने कहा कि मैं अपने घर से माखन खिलाऊंगा, अरे ये देख रहा है ना, सारे वृंदावन की गोपियों के घर हैं, ये सारे अपने ही तो हैं, वसुदैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए मन में। गोप ग्वालों को कन्हैया के मोटे मोटे शब्द समझ नहीं आए, कहने लगे हाँ हाँ कन्हैया, हाँ हाँ। कन्हैया ने कहा तो चलो मेरे पीछे,
कन्हैया आगे आगे गोप ग्वाले पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे गोप ग्वाले पीछे पीछे। गोपी का घर आया, कन्हैया ने कहा यही रुको, मेरी बहुत चलती है, मैं भीतर जाता हूँ माखन लेकर आता हूँ। सारे गोप ग्वाले बाहर वृक्ष पर झूल गए और कन्हैया पहुंच गए अंदर गोपी के पास। गोपी ददी बिलो रही थी, जाकर गोपी से कहते हैं गोपी। गोपी ने कहा हाँ कन्हैया। गोपी बहुत जोरों से भूख लगी है। गोपी ने कहा अच्छा क्या चाहिए तुझे। गोपी मुझे ना थोड़ा सा माखन चाहिए। अच्छा माखन चाहिए, कितना माखन चाहिए, इतना? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं थोड़ा सा और। अच्छा इतना माखन चलेगा? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं गोपी थोड़ा सा और। अच्छा इतना? नहीं नहीं थोड़ा सा और। गोपी ने कहा तू बता दे कितना चाहिए। कन्हैया की जितनी बुझाएं खुल सकती थी पूरी खोल दी, कहने लगा इतना। गोपी ने कहा दैया रे दैया, इतना माखन का क्या करेगा? कहने लगा सारे मित्रों को खिलाऊंगा, सबको भूख लगी है। गोपी ने कहा वाह भाई वाह, सारा दिन मेहनत हम करें और ये महाराज आए और आकर सारा माखन ले जाए। चल पहले थोड़ा काम कर दे। क्या करेगा? अच्छा देख वो पाठ पड़ा है, जा उठा ला। नन्हे से हमारे प्रभु दौड़ते हुए गए, पाठ को उठा लिया, भारी था, कमर झुक गई। अब एक जैसे ही एक पाँव आगे बढ़ाया, पीताम्बर फिसलने लगा। एक हाथ से अपने वस्त्रों को थामा और एक हाथ से पाठ को पकड़ लिया। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। मैंने सुना है कि भगवान की शक्ति भक्तों की भक्ति में होती है। क्या आप चाहते हो हमारे कन्हैया को माखन मिले? क्यों भाई, बड़े कंजूस हैं काशीवासी, ये तो पता चल गया। क्या आप चाहते हो हमारे कन्हैया को माखन मिले? तो अपनी भक्ति की शक्ति अपने कन्हैया को दोगे? तो जरा शक्ति दिखाओ पहले, जोर लगा के। क्या बोलना है? आवाज आनी चाहिए, ठीक है? जोर लगा के, जोर लगा के। पीछे वाले हम देख पाए या ना देख पाए, लेकिन कन्हैया सब देखते हैं। जरा पूरी शक्ति से जोर लगा के, जोर लगा के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, करके दिखा दो, करके दिखा दो। अरे माखन मिलेगा, अरे माखन मिलेगा, जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। और ये लाकर कन्हैया ने पाठ नीचे रख दिया। आप लोगों की इतनी शक्ति मिल गई। जैसे ही पाठ रखा, कहने लगे ला गोपी माखन दे दे। गोपी ने कहा कौन सा माखन? कन्हैया ने कहा तूने ही तो कहा था पाठ उठा के ला, ढेर सारा माखन दूंगी। गोपी ने कहा मैंने कब कहा? कन्हैया ने कहा देख तू असत्य वादन करती है गोपी, वचन देकर तू अपने वचन से मुकर नहीं सकती। गोपी ने कहा अच्छा अच्छा, मैंने सुना है तू नाचता बड़ा सुंदर है, जरा नाच कर दिखा दे। अपने गोप ग्वालों के लिए आज हमारे प्रभु नाचने को भी तैयार हो गए। कमर हिलाई, गर्दन हिलाई, हाथ उठाए, सब कुछ किया। बोलो कन्हैया को माखन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। कौन कौन चाहता है कन्हैया को माखन मिले? बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियों का हृदय आप जैसा नहीं था, नहीं दिया माखन। कन्हैया खाली हाथ बाहर आए, कहकर गया था बड़ी चलती है, सारे गोप ग्वाले देख रहे हैं। कन्हैया कहने लगे ऐसे बात नहीं बनेगी, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली क्या करनी पड़ती है। कितनी जल्दी बोले, वैसे प्रभु का जय घोष मुख से निकलता नहीं। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली क्या करनी पड़ती है? टेढ़ी। कन्हैया ने कहा ऐसे मांगने से नहीं देंगी, अब तो चोरियां करनी पड़ेंगी। कन्हैया अपनी टोली के संग लेकर गोपियों के घर पहुंच जाते हैं और अब तो लो भाई चोरियों पे चोरियां हो रही हैं। माखन की मटकी नीचे, गोप ग्वालों की तृप्ति हो रही है, कोई गोपी चाहकर भी कन्हैया को पकड़ नहीं पा रही। सारी गोपियां परेशान हैं कि इसे कौन पकड़े। यशोदा के पास शिकायत लेकर जाती हैं तो यशोदा सुनती नहीं है।
हमारे कन्हैया किसके हाथ आने वाले थे। ये जो मटकी है ये अभिमान का प्रतीक है। भगवान ने सब मटकियों को फोड़ते चले गए। अगर भक्त भगवान से मिलना चाहता है तो बीच में अभिमान बाधा बनता है। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त शीघ्र मुझसे मिले, इसलिए अभिमान रूपी मटकी फोड़ते जा रहे हैं। माखन की चोरी की, छाछ नहीं माखन। प्रभु समझाना चाहते हैं, इस संसार में सार और असार दोनों मिलेंगे। ये निर्णय आपका है कि सार ग्रहण करते हो या असार ग्रहण करते हो। कृष्ण के अनुयायी हो, कृष्ण की कथा सुन रहे हो, तो यही सीखिए कि इस जगत का सार भगवान है, उसे ग्रहण करना है, उसे जीवन में लाना है। यही प्रभु की माखन चोरी की लीला है। प्रभु की लीलाएं चलती रही और एक दिन तो वीथियों में से गुजरते हुए कन्हैया की दृष्टि पहुंची, जाकर इतना सुंदर वृंदावन सजा हुआ है। श्री दामा से कहा, श्री दामा आज हमारे इस वृंदावन में किसकी तैयारियां हो रही हैं? कन्हैया की बात सुनते ही श्री दामा ने कहा, देखो तो सही कैसे हलवाई काका कितने बड़े बड़े पात्रों को सज कर रहे हैं। अरे पंडित काका को देखो, यज्ञ की सामग्री जुटा रहे हैं। अरे नंद बाबा को देखो, वो भी तो वहीं खड़े हैं। जैसे ही कन्हैया ने देखा नंद बाबा, झट से दौड़ कर पहुंच गए। बाबा बाबा, ये वृंदावन को इतना सुंदर क्यों सजाया है? क्या हो रहा है? क्या मेरा जन्मोत्सव है? बाबा ने कहा, धत, क्या बस तेरा जन्मोत्सव ही रह गया है? अरे ये तो इंद्रोत्सव की तैयारी हो रही है, देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। कन्हैया ने एक सुना, इंद्र? बाबा ये इंद्र कौन है? बाबा ने कहा, इंद्र वर्षा के देवता हैं और हम वर्षा के देवता की पूजा करते हैं। जब वे प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा होती है तो घास उगती है, घास उगती है तो गैया उसे चरने जाती है, फिर दूध देती है। दूध हमारी आजीविका का साधन है, इसलिए इंद्र हमारे भगवान हैं। कन्हैया ने सुना, कहने लगे, बाबा ये कैसी बात हुई? अरे ये तो इंद्र का कर्तव्य है, उन्हें अपने कर्तव्य के अनुसार वर्षा करनी ही होगी। अगर इस तरह भगवान बना जाता फिर तो कोई भी 100 अश्वमेध यज्ञ करे, देवराज इंद्र की पदवी को प्राप्त करे और भगवान बन जाए। कन्हैया की इस बुलंद स्वरों को सुनकर आसपास के वृद्ध घोप ग्वाले आ गए। कहने लगे, नंदराय जी क्या कहता है आपका छोरा? नंद बाबा ने कहा, आप ही सुन लीजिए। कन्हैया ने कहा, चाचा उपनंद आप बताइए। अरे बताइए, क्या आपके भगवान ने कभी आपको दर्शन दिए? चाचा ने कहा, शांत हो जा, अगर देवराज इंद्र कुपित हो गए तो अपने वज्र के प्रहार से हम सबका अंत कर देंगे। कन्हैया ने कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणै विलीयते, सुखं दुखं भयं क्षेमं कर्मणै वाभिपद्यते। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये तो कर्मों के अनुसार होती है, इसमें देवराज इंद्र कैसे आ गए? सभी कन्हैया की बात से सहमत हो गए। कन्हैया कहने लगे, अगर आपको पूजा करनी है तो गैया की कीजिए, गौ माँ की कीजिए जो आपको दुग्ध देती है, और उस गोवर्धन नाथ की कीजिए जिनके द्वारा आपको सर्वस्व प्राप्त होता है। आओ हम सब मिलकर गिरिराज का पूजन करते हैं। वृद्ध गोप ग्वालों ने सुना, कहने लगे, क्या गिरिराज हमें दर्शन देंगे? कन्हैया ने कहा, सच्चे मन से पूजा करोगे तो अवश्य दर्शन होंगे, लेकिन हम उनकी पूजा पद्धति नहीं जानते, हमें बताओ। कन्हैया ने कहा, ठीक है आप अपने व्यंजन तैयार कीजिए। गोप ग्वालों से कहा, यमुना जी से जल भर कर लाओ, उसी से हम गिरिराज के चरणों का प्रक्षालन करेंगे। संतों के मुख से सुना है, छकड़ों में जल भर कर ले जाने लगे गोप ग्वाल, जब थक कर चूर हो गए। कन्हैया से अनुरोध किया, कन्हैया की कृपा से मानसी गंगा प्रकट हुई और जिसके द्वारा गिरिराज के चरणों का प्रक्षालन हुआ। सारे व्यंजन तैयार कर वृंदावन वासी वहां खड़े हैं, गिरिराज का पूजन चल रहा है, और उसी क्षण हमारे प्रभु ने एक रूप बनाया और गिरिराज प्रकट हो गए। सारे वृंदावन वासियों से कहा, हे वृंदावन वासियों, मैं गिरिराज हूँ,
और तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर आया हूँ। वृंदावन वासियों ने नेत्र खोले, प्रभु का दर्शन किया और आज अपने भक्तों को कृतार्थ कर प्रभु अंतर्धान हो गए। कन्हैया ने सबको बिठाकर प्रसाद बांटा। यहाँ वृंदावन भूमि में ये हो रहा है। ऊपर पहुंच गए देवर्षि नारद, देवलोक में, स्वर्गलोक में। नारायण नारायण। हे देवराज इंद्र, क्या आपको ज्ञात भी है कि भूलोक में वृंदावन भूमि पर क्या हो रहा है? देवराज इंद्र ने कहा, ये तो हमारी पूजा का समय है, हो ना हो वे वृंदावन वासी हमारी ही पूजा की तैयारियां कर रहे होंगे। देवराज इंद्र की बात सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, आपको तो कुछ ज्ञात ही नहीं है। अरे 7 से 8 वर्ष का एक बालक है, नंद राय जी का छोरा कहते हैं उसे सब, उसने आपकी पूजा को बंद करवा दिया है। सारे वृंदावन वासियों ने गिरिराज का पूजन किया है। यह सुनना था कि देवराज इंद्र कुपित हो गए। अपने मेघों को बुलाया सामवर्तक, यहां आओ और जाकर वृंदावन में ऐसी मूसलाधार वर्षा करो कि समस्त वृंदावन पानी की लहरों में डूब जाए। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि देवराज इंद्र को कुपित करने का क्या दंड होता है। संवर्तक गए, प्रलयकारी मेघों ने जल बरसाना आरंभ कर दिया। ज्यों-ज्यों जल स्तर बढ़ने लगा, सारे वृंदावन वासी कहने लगे, अरे देखा तुमने, इंद्र का कोप बरस रहा है, इंद्र का कोप। अरे मैं तो पहले ही कहता था, अरे उस नंद के छोरे की बात ना सुनो। सब कहने लगे, अब इस पश्चाताप का क्या लाभ है, चलो हम कन्हैया के पास चलते हैं। पहुंच गए नंद आंगन में। कन्हैया कन्हैया बाहर आओ। कन्हैया दौड़ती हुई आई, अरे काका, अरे चाचा, अरे आप सब यहाँ, क्या बात है? सबने कहा, देख नहीं रहे हो कैसे इंद्र का कोप बरस रहा है? अरे हमारे सभी पशु जल के भीतर बहने के लिए तैयार हैं, जल का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, अब हम क्या करेंगे कन्हैया, क्या करेंगे? कन्हैया ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। कन्हैया आगे आगे, सारे वृंदावन वासी कन्हैया के पीछे हो लिए, अपने अपने छकड़ों को तैयार कर लिया, अपने गये बछड़ों को संग ले लिया और पहुंच गए गिरिराज के समक्ष। हमारे कन्हैया ने अपने हाथ जोड़े, प्रभु से आज्ञा ली और उसी क्षण अपनी कनिष्ठिका पर उसे धारण कर लिया और अपने गोप ग्वालों और गोपियों से कहा, आओ गिरिराज ने हमें शरण दी है, आओ। सारे गोप ग्वाले गोपियां उस गिरिराज के नीचे आ गए। आज अपने गिरिराज के उस कृपा को देखा, वृंदावन वासी आनंदित हो उठे हैं। प्रभु छत्र की भांति उनके जीवन में आ गए और उन्हें इस संकट से उबार लिया। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। गिरिराज भगवान की जय। भक्त वत्सल श्री हरि की जय। वृंदावन वासी आनंद से झूमने नाचने लगे, अपने प्रभु का यशोगान करने लगे। आओ हम भी उनके साथ प्रभु का यशोगान करते हैं, प्रभु की महिमा गाते हैं, रसना को पवित्र करते हैं, तालियों से सहयोग देकर इन हाथों की रेखाओं को बदल लेते हैं। आओ हम प्रभु का महिमा गान करते हैं, यशोगान करते हैं। गिरिवरराज जय गोवर्धन तेरी, जय जय गिरिवरराज जय गोवर्धन तेरी। ध्यान धरे हम साँच सवेरे, श्रद्धा सुमन रे चरणों में तेरे, गिरिवरराज जय
गोवर्धन तेरे। बोलो गोवर्धन गिरिराज की जय। गिरिराज तुम्हारी है महिमा न्यारी, गिरिराज तुम्हारी है महिमा न्यारी, भक्तन हितकारी तूने विपदा डारी, हर श्वास तेरा गुणगान करे, हर पित करे मन भर प्राण करे, हर श्वास तेरा गुणगान करे, हर पित करे मन भर प्राण करे। चारों धाम तीनों लोक तुझे शीश झुकाए, तेरे चरणों में आके तुझे पुष्प चढ़ाए, चारों धाम तुझे शीश झुकाए, चरणों में तेरे पुष्प चढ़ाए, तूने लरस दिखाया सोया भाग जगाया, तेरी शरण जो आया सब पाप कटे, हर श्वास तेरा गुणगान करे, हर पित तन मन धन प्राण करे। हेलो बोलिए कंस महाराज की। मुझे पता था यहाँ सारे कंस वाले बैठे, ऐसा है? कौन कौन है जो कंस के साथ है, कौन कौन है, और कौन कौन है जो कृष्ण के साथ है? कहते हैं ये जो हाथों की लकीरें हैं ना, इसे केवल बांके बिहारी बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। चाहते हो इस हाथों की लकीरों को बांके बिहारी बदल दें? जैसे वृंदावन वासियों को संकट से उबार लिया, हमारी जिंदगी के संकट भी वो उबार दे हमें, चाहते हो? क्यों जी चाहते हो, जरा हाथों की लकीरें बांके बिहारी को दिखा दो। एक हाथ की दिखानी है कि दोनों की? आहा, अब ऐसे ही रखना, ठीक है? मीठी मीठी ताली। आहा, हाथों की लकीरें बदलेंगी और इस जीवन में बांके बिहारी का आगमन हो जाएगा मिलकर। हर श्वास तेरा गुणगान करे, हर पित तन मन धन प्राण करे, हर श्वास तेरा गुणगान करे, हर पित तन मन धन प्राण करे। हो सहारा
बोलिए श्री गिरिराज भगवान की जय। जब आपसे कहा गया ताली बजाइए तो आपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, फिर थोड़ी देर में यहाँ, फिर थोड़ी देर में यहाँ और फिर यहाँ। अगर भगवान कृपा करने के लिए हाथ ऐसे उठाएं और ऐसे कर लें तो क्या भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाओगे? क्या चाहते हो भगवान दोनों हाथों से हम पर कृपा लुटाएं? तो फिर दोनों हाथों से ताली भी तो बजानी पड़ेगी कि नहीं? जरा कंजूसी छोड़िए। कहते हैं भोजन का मजा किसमें आता है? थाली में। किसमें? भोजन का मजा, आवाज नहीं आई, भोजन का मजा और चाय का मजा किसमें? प्याली में। और भजन का मजा बजा के दिखाओ, आओ मिलकर जरा गाते हैं। और ऐसे ही ताली, हाथ ऐसे ही रहने चाहिए। आहा, चलिए। गिरिराज तुम्हारी जय, महिमा ज्ञानी। गिरिराज तुम्हारी जय, महिमा ज्ञानी। भक्तन हित सारी तूने विपदा तारी। कनिष्ठिका पर गोवर्धन को उठा लिया, संपूर्ण वृंदावन वासियों का संरक्षण किया। एक दिवस नहीं, दो दिवस नहीं, 7 दिवस तक मूसलाधार वर्षा होती रही और सभी के सभी वृंदावन वासी कृष्ण के छत्र तले संरक्षित रहे। 7 दिवस के पश्चात देवराज इंद्र को ये ज्ञान हुआ कि ये कोई साधारण नहीं है, यही तो प्रभु है। अज्ञानता से ग्रसित बुद्धि, अभिमान से ग्रसित बुद्धि अब विवेकी बन गई। वर्षा को विराम मिल गया, जल स्तर नीचे होने लगा। कन्हैया ने अपने वृंदावन वासियों से कहा, जाइए, जाकर फिर से अपनी नगरी का निर्माण कीजिए, फिर से अपनी गौशालाओं का निर्माण कीजिए। सारे वृंदावन वासी अपने अपने घरों के, अपने अपने गौशालाओं के निर्माण में लगे हैं। देवराज इंद्र रूप बदल कर आए, प्रभु से क्षमा याचना की। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवराज इंद्र, अभिमान से युक्त होकर आप कभी कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते और ना ही अपनी प्रजा का संरक्षण कर सकते हो। इसलिए मैंने ये लीला खेली
आप अभिमान से मुक्त होकर अपने कर्तव्य के पथ पर प्रशस्त हों। देवराज इंद्र ने प्रभु के चरणों में पश्चाताप किया और वापिस अपने लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण उस दिन से गोवर्धन धारी कहलाने लगे। हमने इस दिव्य पंडाल में भगवान की दिव्य कथाओं को सुना, मन पवित्र हो गया। खूब अच्छे से ताली बजाई। जानते हो ना, इन हाथों में एक्को प्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। जैसे जैसे ताली बजाई, पॉइंट्स दबे, हमें तन के रूप पर भी लाभ मिला है। तन भी हो गया, मन भी हो गया। चलो आत्मा के लेवल की बात करते हैं। गोवर्धन, मुझे भी मौका मिला है भगवान के उस रूप का दर्शन करने का। गोवर्धन नाथ के दर्शन भी किए और गिरिराज के दर्शन भी किए हैं। लोग कैसे परिक्रमा करते हैं, पैदल चलते हैं, सच में उनकी भक्ति को नमन है। पर जिस समय उन्हें परिक्रमा करते हुए देखा, एक प्रश्न इस मन में जरूर उठा कि आखिर भगवान ने जो गोवर्धन लीला की, उससे समझाना क्या चाहा? गो प्लस वर्धन। आज इस लीला का अर्थ समझ लेना, तब समझ में आएगा कि गिरिराज की परिक्रमा करने जाते हैं तो वहां क्या पाने गए हैं। गोवर्धन लीला हमें भगवान की ओर इशारा कर रही है कि उस ओर देखो, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। देखा है भगवान को मंदिर में जाके खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं। वो प्रतीक्षा में है, मेरा बच्चा कब आएगा, मुझसे कब मिलेगा। वो प्रतीक्षा में खड़े हैं, हमसे ज्यादा अधीर हैं वो आप सबसे मिलने के लिए। वो चाहते हैं कि मेरी संतान मुझसे मिले, मेरा दर्शन करे, मुझे प्राप्त करे, मेरा भक्त बने। लेकिन जब भी हम भगवान की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो वो इंसान जो अपने आप को कहता है कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हमारी अप्रोच बहुत साइंटिफिक है, हमें हर चीज में लॉजिक चाहिए, न जाने अध्यात्म की बात आते ही उसका जीवन अज्ञानता से ग्रसित क्यों हो जाता है? वह अपनी भेड़ चाल में क्यों चलने लगता है? अपनी रूढ़िवादिताओं में, संकुचित मानसिकता में क्यों फंस जाता है? हमें चार तरीके के लोग मिलते हैं। पहले क्रिटिक्स, जो आलोचक हैं। जब उनसे कहते हैं भगवान दिखता है, वो कहते हैं हा, हु कैन सी गॉड, कौन देख सकता है भगवान, भगवान नहीं दिखता। आप उनके सामने कैसे कैसे तर्क रख दीजिए, लॉजिक्स रख दीजिए, साइंटिफिक रूप से उन्हें समझाना चाहेंगे तो भी वे नहीं मानते। डॉक्टर वेन डायर हुए हैं, अपनी किताब में एक बहुत सुंदर से एग्जाम्पल से इस बात को समझाते हैं। वो कहते हैं, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक माँ के गर्भ में दो बेबीज हैं। उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है, एक बात चल रही है, और क्लियर करने के लिए उन्होंने दोनों को एक एक नाम दे दिया। एक को कह दिया मन, दूसरे को कह दिया आत्मा। आत्मा ने मन से कहा, मुझे लगता है इस स्थान से बाहर भी कुछ है। मन ने कहा, पागल हो गया है, जो भी है इसी में है, बस तू और मैं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरे बेबी ने, यानी आत्मा ने कहा, नहीं, मुझे लगता है देयर इज अ मदर, मां भी है कोई। मन ने कहा, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, कभी मां को देखा है? और जिसे देखा नहीं उस पर विश्वास क्यों करना? मैं ही तेरा साथी हूं, बस हम दोनों यहां हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, भूल जा सब कुछ। आत्मा ने कहा, नहीं, मुझे लगता है जो असुविधाएं हमें यहां हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब के बाद हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां खूब प्रकाश है, और वहां मां होगी, वहां हमें ऐसा प्रेम मिलेगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मन ने कहा, मुझे पता चल गया कि तू पूरा पागल है, क्योंकि इस स्थान से अलग और कुछ नहीं होता।
डॉक्टर वेन डायर इस एग्जाम्पल से ये क्लियर करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, क्या जो मन कह रहा है कि इस गर्भ से मां के गर्भ के अलावा कोई और स्थान नहीं, क्या ये बात ठीक है? जो मन कहता है कि मां जैसा कोई अस्तित्व नहीं, क्या ये कहना ठीक है? जिससे पोषण पाता है, जिससे भोजन पाता है, उसी के अस्तित्व को नकार दिया, क्या ये बात ठीक है? नहीं। लेकिन ये रहस्य खुलेगा कब? जब 9 माह पूर्ण हो जाएंगे, डॉक्टर टेक्निक के माध्यम से बच्चों को बाहर लेकर आएंगे और माँ के गर्भ से निकलकर जब वो संसार को देखेगा तो मान जाएगा संसार है, प्रकाश है, माँ है। इसी प्रकार सज्जनों, हम अपनी मानसिकता में बंधे हुए हैं, कूप मंडूक की तरह हमारी स्थिति है, हमें भी वैद्य रूपी गुरु चाहिए जो हमें इस मानसिकता से बाहर लाए। सज्जनों, हम ये नहीं कहते कि मान्यता होना गलत है, नहीं, आप सबकी अपनी अपनी मान्यता होगी, लेकिन एक बार हमारे कहने पर इन मान्यताओं को प्रयोगों की आंच पर तपाकर तो देखो। अगर आप कहते हो भगवान दिखता नहीं, लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कहता है कि भगवान दिखता है, तो एक बार ये टेस्ट करके तो देखो। गुरु की शरण में जाकर इस आंतरिक जगत में उतर जाओ, दिव्य दृष्टि रूपी इंस्ट्रूमेंट को पाकर जरा एक बार एक्सपेरिमेंट तो करके देखो। 110% श्योरिटी के साथ कहती हूं, जिस दिन परफेक्ट मास्टर मिला और आप अपने अंतर जगत में उतरे, तो आप स्वयं कहेंगे, हां मेरी मान्यता गलत थी, भगवान दिखता है, भगवान का दर्शन होता है और वो प्रकाश रूप में मेरे अंदर ही विराजमान है। दूसरे तरीके के लोग मिलते हैं, डिसइंटरेस्टेड, जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई तर्क नहीं करते, कुतर्क नहीं करते, जहां भगवान की कथा सुनी वहां से भाग जाते हैं। कबीर दास जी एक बार वीथी में से गुजर रहे थे, आगे कुछ कन्याएं जा रही थी। कुछ दिनों पूर्व ही एक कन्या का रिश्ता पक्का हुआ था और ससुराल से नथ आई थी। अपनी उस नथ की चर्चा अपनी सहेलियों से कर रही है और अपने जो होने वाले पति हैं उनके प्रेम का वर्णन कह सुना रही है। कबीर जी पास से निकले और मुस्कुराते हुए बोले, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उसको दियो बिसार। जिसने नथनी दी उसका तो तू स्मरण कर रही है, लेकिन जिसने नाक दी उसे आज तक याद नहीं किया। इस देह का लाभ क्या है? 5 से 6 फुट की हमें देह मिली, ये देह 84 लाख योनियों से अलग है। इसका लाभ है, अगर इस जीवन के रहते भगवान को नहीं पाया, हरि की चर्चा नहीं सुनी, तो इस जीवन का कोई लाभ नहीं। इसलिए भगवान शिव को पार्वती को कहना पड़ा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नय नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, जे न नमत हरि गुरुपद मूला, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। भगवान शिव कहते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति नहीं आई, जो भगवान के दर्शन से नहीं जुड़ा, कहते हैं वो जीते जी भी मृतक है, क्योंकि उसने अपनी देह का लाभ नहीं उठाया, उसने अपनी मानव देह का लाभ नहीं उठाया। सज्जनों, इसके बाद क्या होगा जानते हो? बच्चे को बाइक लेकर दो, बच्चा जाकर बाइक को तोड़ दे और फिर आपसे कहे, पिताजी बाइक दे दो, उसे बाइक लेकर दोगे? साइकिल पर साइकिल की ओर इशारा करोगे, उस पर जा तो उसके लायक है। भगवान ने हमें क्राउन ऑफ द क्रिएशन मानव तन दिया है, अगर इस मानव तन का लाभ नहीं उठाया तो फिर भगवान कहेगा, जा 84 लाख योनियों की पीड़ा को भोग, तो उसी योग्य है।
ये कथा आपको 84 लाख योनियों की पीड़ा से मुक्ति दिलाने आई है। भगवान की ओर बढ़िए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तीसरे प्रकार के लोग मिलते हैं हमें, पैसिव इनक्यूजिटिव्स, जिन्हें भगवान की चर्चा अच्छी बहुत लगती है। बहुत सुंदर कथा करते हैं आप, कितना मार्मिक प्रवचन है आपका। अच्छा, आप भगवान को देखेंगे? जी, भगवान देखेंगे। जहां दुनिया चल रही है हम भी चलेंगे। हमारे अंदर ना फोमो है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंसान को ना भेड़ चाल चलने की आदत पड़ गई है। भेड़ों को देखा है ना, एक भेड़ जहां जाती है खाई में गिरेगी तो बाकी भी पीछे पीछे गिरती हैं। हमें डर है कि कहीं दुनिया की चाल से अलग हमारी चाल ना हो जाए। अगर हमें संदेश मिला है भगवान का, तो उसे पाने के लिए आगे बढ़िए। कुछ लोगों की यहां धारणा होगी कि भगवान को पाने से तो घर छूट जाता है, हम घर नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम भगवान को भी नहीं पाएंगे। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगी, लेकिन आपकी ये धारणा गलत है। हमने घर का त्याग किया, भगवा वस्त्र धारण किया, हमारी इच्छा थी। लेकिन इस समाज के अंदर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जिससे दीक्षित भी करोड़ों अनुयायी हैं, जो अपने घर में रहते हैं लेकिन भगवान को देख चुके हैं। क्या पांचों पांडवों ने भगवान को नहीं देखा? क्या राजा जनक भगवान को नहीं देखे? क्या सुदामा ने कृष्ण की भक्ति नहीं की? इन्होंने तो घर नहीं छोड़ा। इसलिए ये धारणा गलत है कि भगवान दिख जाता है तो घर छूट जाता है। जिसने समाज दिया, जिसने घर दिया, जिसने परिवार दिया, उसे देख लेने के बाद वो परिवार छोड़ने को क्यों कहेगा? वो तो आपको समाज में रहने की कला सिखा देगा। फिर एक धारणा बड़ी मजबूत है, लोग हमेशा कहते हैं जी अभी तो जरा बच्चों की शादी वादी कर ले, बच्चे सेटल हो जाएं, फिर हम भी भगवान देख लेंगे। कोरोना वायरस आया अभी भी नहीं समझे, इतना दर्दनाक दृश्य हम लोगों ने देखा है, मृत्यु को इतनी पास से हमने देखा है। उस समय ना अपने पास थे, ना धन किसी काम में आया, उस समय काम क्या आया? हृदय से निरंतर प्रार्थना निकलती रही भगवान से, उस समय केवल भगवान याद आया, केवल भगवान। आज भगवान फिर भूल गए? नहीं सज्जनों, आपको डराना हमारा मकसद नहीं है। हम केवल आपको सतर्क और सजग करने आए हैं। हम बस ये चाहते हैं कि भगवान ने जिस कारण से आपको मानव देह दी है उसे प्राप्त कर लो, फिर भगवान को साथ लेकर जीवन को जियो। आपने कभी करतब दिखाते हुए एक पतली सी रस्सी पर चलते हुए किसी नट को देखा है? कैसे चलता है, अपना बैलेंस कैसे बनाता है, दोनों हाथों को ऐसे रखता है, राइट? हमारे जीवन में लड़खड़ाहट क्यों है? क्योंकि हमने दोनों हाथों से संसार पकड़ा है। हम बस इतना कहते हैं एक हाथ से संसार पकड़ो, दूसरे से करतार पकड़ो, तो देखना जीवन की डगर पर चलना हमें आ जाएगा। जीवन सुंदर बनेगा अगर जीवन में भगवान आ गया। चौथे प्रकार के लोग मिलते हैं, एक्टिव इनक्विजिटिव्स, जो सच में सुनते हैं भगवान देखना है, जीवन का लक्ष्य है, पहुंच जाते हैं सदगुरु की शरण में और कहते हैं हमें भगवान दिखाइए। वो अपनी यात्रा पूरी करते हैं, कथा के मर्म तक पहुंचते हैं और कथा के सार को ग्रहण करते हैं, जैसे परीक्षित ने किया। सज्जनों, आने वाले दिन आपको बताएंगे कि परीक्षित केवल मात्र कथा सुनने से मुक्त नहीं हुआ था। भागवत महापुराण कहती है सुखदेव जी परफेक्ट मास्टर थे। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ और परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान मिला, आध्यात्मिक ज्ञान मिला, यहां भगवान का दर्शन हो गया इस नेत्र के खुलते ही। उस आत्मा से जुड़ गया और स्वयं को उस परमात्मा में स्थित कर दिया
तक्षक नाग आया और उसने अपना विष परीक्षित पर प्रभाव डालना चाहा, लेकिन क्या हुआ, परीक्षित पहले ही अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ चुके थे, देह से विलग हो चुके थे। देह वहीं भूमि पर गिर गई और परीक्षित मोक्ष को पा गए, मुक्ति को पा गए। आप सभी मोक्ष अभिलाषियों से यही आशा करती हूं कि आप भी परीक्षित की भांति अगर कथा को सुन रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए अवश्य सज्ज होंगे। सही मायने में गोवर्धन लीला उस दिन आपके अंतर्घट में पूर्ण हो जाएगी। और एक काम और करना है, गौ का अर्थ पृथ्वी भी होता है, यानी पृथ्वी का वर्धन कैसे होगा, कैसे अपनी धरा को संरक्षित रख पाओगे? पेड़ पौधे लगाओ, धरा को स्वच्छ करो, वायुमंडल को स्वच्छ करो और अपनी धरा को संरक्षित करो, ये भी हमारा ही धर्म है। सज्जनों, जिस समय मृत्यु के समय जलाया जाता है बहुत सारी लकड़ी लगती है, कम से कम जीवन में एक पौधा तो जरूर लगाओ ताकि वो ऋण चुका सको। इसलिए हम प्रकृति का संरक्षण करें, अपनी प्रकृति का वर्धन करें, अपनी पृथ्वी को रहने योग्य जीने योग्य बनाएं। आओ मिलकर एक प्रयास करें। और इसलिए हमने आरंभ आज से किया है, हमने आपके लिए छोटे छोटे पौधे मंगवाए हैं। जब आप बाहर निकलेंगे आपको एग्जिट पर वो पौधे मिलेंगे, सब लोग एक एक पौधा लेकर जाना। गोवर्धन लीला का स्मरण करते हुए, बांके बिहारी को याद करते हुए उसे मिट्टी में लगाना, उसे प्रेम देना, खाद देना, पानी देना और देखना कुछ ही समय में वो वृक्ष बनने के लिए सज्ज हो जाएगा और आपको ये एहसास होगा कि मैंने अपनी प्रकृति के लिए कुछ किया है, मैंने अपने कृष्ण की आज्ञा का अनुसरण किया है। मानेंगे हमारी बात को? मानेंगे तो आइए, अंतिम क्षण है, प्रभु का बुलंद स्वर में जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, उमापति महादेव की, बाबा विश्वनाथ की, गंगा मैया की, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबारी की, जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आइए हम अब मंगल आरती की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जिनका नाम अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं वे आगे आ जाएंगे। श्रीमान अशोक अग्रवाल जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार विकास संगठन, विनायक प्लाजा मलदेहिया वाराणसी से, आपका अभिनंदन है। सोहन सोलंकी जी, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक वाराणसी से, इनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। अनीता सिंह, मातृशक्ति सह संयोजिका वाराणसी से, आपका अभिनंदन। विद्या सागर जी, काशी महानगर अध्यक्ष बीजेपी वाराणसी से। धीरज सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद महानगर उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र वाराणसी से। हासाराम बदलानी जी, अध्यक्ष सिंधी समाज वाराणसी से। डॉक्टर राजेश मौर्य जी, गोरखपुर से। श्रीमती रितु कुमारी नटवार, रोहतास विहार से। श्री महेश्वर सिंह जी, ऑनर ऑफ चंद्रवाटिका बसही वाराणसी से। मोहन रोहनियार जी वाराणसी से। रमेश गोयल जी वाराणसी से। नीरज श्रीवास्तव, क्षेत्रीय वनाधिकारी वाराणसी से। पीयूष अग्रवाल जी वाराणसी से। दीपांशु पांडे जी प्रयागराज से। आज के उत्सव यजमान इस प्रकार से हैं, वेंद्यवासिनी पांडे जी एवं श्रीमती ममता पांडे जी वाराणसी से। श्री अजय अग्रवाल जी एवं श्रीमती रजनी अग्रवाल जी वाराणसी से। रमेश कुमार सुसरानी, ममता कन्फेंशनरी वाराणसी से। नीता अग्रवाल जी, निर्मला मलोटिया, बैजनाथ भालोटिया जी वाराणसी से। निर्मला भवर, तारा शर्मा, स्वाति अग्रवाल जी वाराणसी से। और इस कथा में विशेष भूमिका मुख्य यजमान के रूप में हैं श्री अरविंद भालोटिया जी एवं श्रीमती अनीता भालोटिया जी। श्रीमान छोटेलाल चौधरी जी एवं श्रीमती माधुरी चौधरी जी
एवं उनके सुपुत्र जो इस कथा में विशेष सहयोग कर रहे हैं, श्रीमान शशिभूषण सिंह जी, जोरदार तालियों के साथ शशिभूषण सिंह जी के लिए। और आज के दैनिक यजमान हैं श्री ओमकारनाथ पाठक एवं श्रीमती उषा पाठक जी इंदिरा नगर वाराणसी से, श्री उमाशंकर सिंह जी सपरिवार सिघरा वाराणसी से, श्री हजारी प्रसाद गुप्ता जी एवं कुसुम गुप्ता जी सपरिवार वाराणसी से, श्रीमान परमानंद सिंह जी एवं श्रीमती सरिता सिंह जी जलालीपट्टी वाराणसी से, श्री विजय विरजेंद्र पांडे जी एवं श्रीमती गायत्री पांडे जी वाराणसी से, श्री विरजेश सिंह जी एवं श्रीमती संगीता सिंह जी वाराणसी से, श्रीमती राजकुमारी देवी जी सपरिवार बिहार से, श्री शुभेंद्र शंकर जायसवाल जी, श्रीमती प्रीति जायसवाल जी वाराणसी से, श्री आर बी प्रसाद एवं श्रीमती माया देवी परमानंदपुर से, श्रीमान राम वृक्ष वर्मा जी एवं श्रीमती भाग्यवनी देवी जी खजनी गोरखपुर से, श्रीमती श्यामा देवी जी परमानंदपुर वाराणसी से, श्रीमान मिथिलेश शर्मा जी गोरखनाथ गोरखपुर से, श्रीमान प्यारे लाल जी सोनकर जी, उनसे भी आग्रह, वे आगे आएंगे, श्री कृष्ण मुरारी गोपीगंज भदोही से, श्री नीरज बसई वाराणसी से, श्री शेखर बसई वाराणसी से, श्री आनंद श्रीवास्तव चांदमारी से, श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव जी चांदमारी वाराणसी से, श्री विनोद राय जी सुषवाही वाराणसी से, श्री सुरेंद्र जायसवाल जी चेतगंज वाराणसी से, श्रीमती प्रीति जायसवाल जी चेतगंज वाराणसी से, श्री प्यारेलाल सोनकर वाराणसी मंडी वाराणसी से, श्रीमती रितु कुमारी नटवार रोहतास बिहार से, श्री अवधेश कुमार हरदोई से, श्री अवधेश राम जी नक्सर गाजीपुर से, श्री धनंजय प्रसाद सिंह जी हरौआ वाराणसी से, श्री रवि जायसवाल वाराणसी से, श्री दिवाकर सिंह जी एसपी सीबीआई। एवं आज के प्रसाद की जो सेवा है वो ऋषिदेव अग्रवाल जी एवं हेमदेव अग्रवाल जी के माध्यम द्वारा है, इनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। आप सभी आगंतुक भक्तजन वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत अभिनंदन के साथ, धन्यवाद के साथ, आइए हम मंगल आरती के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी से आग्रह, आप लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए, जो बैठे हैं आप सभी भक्तजनों से आग्रह, सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े होकर के मंगल आरती का गायन, सभा को विराम। जय गोवर्धन त्रिभुजगवंदन कार्य विशाल हरे, प्रभु कार्य विशाल हरे, हे विधि के तीरथ धाम जय गिरिराज हरे, गोवर्धन शालीग्राम जय गिरिराज हरे, जय गोवर्धन त्रिभुजगवंदन कार्य विशाल हरे, प्रभु कार्य विशाल हरे, हे विधि के तीरथ धाम जय गिरिराज हरे, गोवर्धन शालीग्राम जय गिरिराज हरे, जगत के पालन हारे सकल लोक पूजे, प्रभु सकल लोक पूजे, तुम सब कोई न दाता, तुम सब कोई न दाता, नहीं देव तुझे, ओम जय गिरिराज हरे, हे विधि के तीरथ धाम जय गिरिराज हरे, गोवर्धन शालीग्राम जय गिरिराज हरे, दर्शन भाते भक्त जनों के तुम भंडार भरे, प्रभु तुम भंडार भरे, हे विधि के तीरथ धाम जय गिरिराज हरे, गो
गोवर्धनशाली राम जय गिरिराज हरे गोवर्धन गिरिराज की आरती जिस मुख से निकले प्रभु जिस मुख से निकले वेद पुराण बखानी आगम निगम बखानी नहि भव सिंधु परे ओम जय गिरिराज हरे हे विधि के तीर्थ धाम जय गिरिराज हरे गोवर्धनशाली राम जय गिरिराज हरे तुम्हें बारंबार प्रणाम जय गिरिराज हरे तुम्हें बारंबार प्रणाम जय गिरिराज हरे तुम्हें बारंबार प्रणाम जय गिरिराज हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिकेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सैकं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वे यजमानाः हस्ते अक्षतपुष्पाणि आदाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्युः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहना कं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ तदपुरुखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात् शेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाके पुण्याधजादिगर्वीरलसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान् सबका सद्विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान् सबका सद्विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान् सबका सद्विधि हो कल्याण सबका सद्विधि हो कल्याण सबका सद्विधि हो कल्याण बोलिए गोवर्धन भगवान की जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय
बाबा विश्वनाथ महादेव की जय। गंगा मैया की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। धरती माता की जय। धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। बोलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जय। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। शांति शांति शांति। ओम।